हेलो 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 माइक हेलो अतुल ये यहां ग्रे क्यों रहा फ्रेमी है ये फ्रेम ही है ना ये बाकी ग्रे है ना Hello, frame, brother. Hello, hello. Please settle on fast, Jelly. At the back, Jelly Veda, Settle on fast. हेलो हेलो एट द बैक प्लीज सेटल ऑन फास्ट जल्दी बेटा चलो तुम लोग को रोज सुबह 8:30 इतना ही बात करने का आदत है क्या चेंज करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है ऐसा तो चलेगा नहीं तुमको मालूम है ये चीज चलो आई वॉन्ट ऑफ साइलेंस नाउ इनफ पीछे फास्ट ओके गुड मॉर्निंग एब्रीवान आई सेट गुड मॉर्निंग एवरीवान हवा यू गाइस फर्स्ट डे है ऐसा लग रहा है अभी तो एनर्जी है तुम्हारे अंदर एटलीस्ट लेट्स सी हाउ इट इज बाय द एंड ऑफ एनीवेज़। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट मी गिव यू अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ई आई एस एन एस एम देखो बेटा क्या आप लोगों ने आई मॉड्यूल ओपन किया डू यू इवन हैव आई सी मॉड्यूल मॉड्यूल तो रहेगा यार ऐसा है ना अच्छा ऑर्डर ही नहीं किया इतना स्मार्ट नहीं होने का ओके <laughs> okay. तो अच्छा मॉड्यूल से है, पर कभी ओपन नहीं किया किसी ने भी ओपन नहीं किया नो वन अच्छा किया नाम लिखने के लिए किया नाइस ओके ना आई एम श्योर इतना बेसिक सबको मालूम रहेगा दस इज फॉर फिफ्टी मार्क्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज 50 फिफ्टी मार्क्स नहीं है सीरियसली ये भी नहीं मालूम तुमको यार ऐसा नहीं होना चाहिए यार मतलब यहां एटलीस्ट मेरा एक्सपेक्टेशन इतना मालूम रहेगा मतलब चलो एनी हा फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है I hope you guys are joking. <laughs> otherwise, <laughs> there are serious issues, I think. <laughs> okay. So, EIS is your enterprise information system. Now, some of you might have a preconceived notion, OK, first thing, if I'm asking you a question, you're allowed to answer. Other than that, class corner side पहले बोल रहा है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज एक बार पढ़ाना शुरू कर दिया उसके बाद में बिल्कुल नहीं ठीक है पहले ही बोल रहा है स्टार्टिंग के अंदर नॉट जस्ट टू मी टू ऑल अदर स्टूडेंट्स एंड आई एम श्योर कुछ तो पढ़ने के लिए गेट माई पॉइंट टू डोंट ओके टॉकिंग अबाउट ई आई एस एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम आई एम श्योर प्री कन्व नोशन दैट इट गोइंग टू बी entirely about information technology so for me the most important point is sabse pehle aapko bataya jaye ki actually mein eis ka syllabus kis tarike se design kiya gaya hai for you guys then we'll even talk about strategic management syllabus fir hamara strategy kaisa rahega in next 60 65 days how we are going to cover the entire portion तो उसके बारे में एक brief understanding पहले आपको देते हैं फिर हम धीरे धीरे discussion करना शुरू करेंगे ठीक है Talking about ईआईएस Enterprise Information System. देखो आपके मॉड्यूल में टोटल पांच चैप्टर्स हैं। नाउ व्हाट आर दीज फाइव चैप्टर्स फर्स्ट चैप्टर इज योर बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन आप लोगों ने कॉस्टिंग में कोई परचेस प्रोसेस कौन से पढ़ा होगा पढ़ा पी टू पी प्रोसेस प्रोक्योरमेंट टू पे नहीं सुना सेल्स प्रोसेस सुना है कभी जिंदगी में कोई भी कंपनी में परचेस करने का मैकेनिज्म क्या होता है सेल करने का मैकेनिज्म क्या है प्रोसेस तो सुना होगा एटलीस्ट यार पक्का बस थोड़ा फैंसी टर्म्स आने वाला है दैट वी गोना यूज द वर्ड पी टू पी क्या होता है ऑर्डर टू कैश क्या होता है बिकॉज थोड़ा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा आपके नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस के अंदर मतलब एक बिजनेस प्रोसेस क्या होता है इट कैन बी अ वेरी सिंपल प्रोसेस लाइक कोई भी खर्चा करने से पहले क्या एक रेस्पेक्टिव पर्सन का अप्रूवल लेना जरूरी होता है कोई भी परचेज करने से पहले आपने सुना होगा देर इज समथिंग कॉल्ड एज कोटेशन एनालिसिस सुना है कैसा कोटेशन एनालिसिस परचेज मटेरियल चैप्टर आई एम श्योर हर टीचर ने तुमको बताया होगा आइडियली देर इज समथिंग कॉल्ड एज मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म रिक्वायरमेंट होता है फिर कोटेशन एनालिसिस होता है पीओ बनाया जाता है पीओ परचेज ऑर्डर ओ माई गॉड फिर गुड्स आएगा तो जी बनता है गुड्स रिसीट नोट सुना है कैसा पक्का श्योर फिर पेमेंट भी होता है दिस इज लाइक स्टेप बाय स्टेप हाउ वी फॉलो स्टेप्स टू अचीव ये बिजनेस प्रोसेस कहलाता है ये बिजनेस क्या होते हैं? ये हमको डिस्कस करना पड़ेगा अगर हम इन प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहें मतलब कुछ चीजों के अंदर मैनुअल इंटरवेंशन को कम किया जाए मतलब माई सिस्टम शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ सर्टन एस्पेक्ट ऑन इट्स ओन इसके लिए ज बीपीए बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा चैप्टर वन बना है मतलब चैप्टर वन इज गोइंग टू तो बी एक बिजनेस प्रोसेस क्या होता है वहां से शुरू करके आप उसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं वहां तक का पूरा जर्नी कवर होगा बट ऑनेस्टली स्पीकिंग उस चैप्टर वन के अंदर बहुत सारा थियोरिटिकल एस्पेक्ट भी आएगा और एक बेस बनेगा जो आपके लिए ई आई एस में भी रेलिवेंट रहेगा एंड एक सब्जेक्ट ऑडिटिंग उसमें भी रेलिवेंट रहेगा बिकॉज अल्टीमेटली ये प्रोसेस को ही आप चेक करते हो ट इज गोइ टू बी पार्ट ऑफ आर ऑडिटिंग एस्पेक्ट तो इसीलिए चैप्टर वन इज अबाउट क्या होते हैं उनको हमें कैसे ऑटोमेट करके इवेल्यूएट करना होता है एंड दे विल बी सर्टन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी एज वेल मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ दैट इज गोइंट टू बी माई चैप्टर वन इफ यू लुक एट दू विल गेट टू मॉड्यूल्स इन ई आई एस योर मॉड्यूल नंबर वन विल है

अगर पूरा एंटायर चैप्टर एक साथ में अगर हम डिस्कशन करेंगे यू विल समवेयर इन द मिडिल खो जाओगे अगर आप उसको ब्रेक करके रखा तो मेरे को मालूम रहेगा ठीक है पार्ट ए के अंदर मैंने ये डिस्कशन किया था इसमें ये तीन चार एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट थे जो मुझे पता होने चाहिए क्योंकि देखो समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है बट आने वाले दो जो सब्जेक्ट्स हैं ए एस एस एम एंड ऑडिटिंग उसमें लिखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और लिखने के लिए ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा है होप यूर अंडरस्टैंडिंग इतना रिस्क कंट्रोल और इतना बिजनेस प्रोसेस है फैक्ट से से इसलिए अंडरस्टैंडिंग अगर बहुत अच्छा होगा दिमाग के अंदर प्रॉपर सेग्रीगेशन रहेगा दैट ओके मे बी दीज टेन एस्पेक्ट कमिंग फ्रॉम चैप्टर वन क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा बेटा सिमिलर नेचर का कॉन्सेप्ट अलग अलग चैप्टर में अलग तरीके से लिखा हुआ है फॉर्चुनेटली आईसीआई ऑल्टरनेटिव आंसर देता है आपने सुना होगा ये चीज आइडियली मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर भी सही है और ये दूसरा वाला आंसर भी सही है बिकॉज उन्हें भी मालूम है ये क्वेश्चन का आंसर दो चैप्टर से भी हो सकता है आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट सो इसीलिए थोड़ा सा हमने चैप्टर्स को बाइफर्केट किया पार्ट ए बी सी डी इस तरीके से ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे ओके okay, ये जो चीजें मैंने डिस्कस की है ये चैप्टर वन से कनेक्ट होकर के आ रही है और चैप्टर वन विल बिकम अ बेस फॉर अदर चैप्टर्स तो इसीलिए देर इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर मतलब यू you नो know, लॉजिकल वे कि हम चैप्टर नंबर वन से शुरू ही नहीं करेंगे मुझे बट अभी एंड अकाउंटिंग सिस्टम अब ईआर सुना आप लोगों ने ई आर पी के बारे में ऐसा मानके चलो अगर आपको एक कंपनी के लिए ईआरपी डिजाइन करने का है उसका जो बेसिक्स है वो यहां पर दिया है मतलब लिटरली वट इज मास्टर डेटा नॉन मास्टर डेटा कभी सुना है, क्या है वर्ड जी नहीं सुना डोंट वरी मास्टर डेटा नॉन मास्टर डेटा जिन पे ये पूरा सिस्टम बनाया जाता है बट कैसा होगा चैप्टर टू पढ़ने से पहले चैप्टर वन पढ़ना जरूरी है अगर मुझे बिजनेस नहीं मालूम तो मैं बिजनेस के लिए सिस्टम कैसे बनाऊंगा तो चैप्टर वन इज अबाउट बिजनेस एंड देन वील थिंक अबाउट इफ आई वॉन्ट टू डिजाइन सिस्टम फॉर अ बिजनेस तो वो किस तरीके से वर्क करेगा मतलब वन और टू इंटरकनेक्टेड है टेक्निकल है टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एंड एक अच्छा बात है इधर आईसी ने कम लिखा है समझ रहे मेरा बात अगर यहां पर बहुत लिखने के लिए अगर वो जाते तो इतने बिजनेस प्रोसेस रहेंगे जस्ट इमेजिन नो यार टाटा मोटर्स टाटा स्टील एंड इवन टाटा कंज्यूमर्स सबका परचेस करने का तरीका तीन कंपनी अलग अलग है तीनों लिस्टेड है समझ रहे मेरा बात तीनों का परचेस करने का तरीका अलग अलग रहेगा तीनों के पास में डोमेस्टिक इंटरनेशनल का सेल करने के लिए जो कंज्यूमर बेस है वो अलग अलग रहेगा, यू एक टाटा के लिए बना लिया, तो इसीलिए वैसे ओपन है, अगर वैसे जाओ डिस्कशन करने के लिए तो मतलब दीज आर नेवर एंडिंग चैप्टर्स एंड ट्रस्ट मी आप आर्टिकलशिप ऑडिट डिपार्टमेंट में करो टैक्स डिपार्टमेंट में करो पोस्ट क्वालिफिकेशन तुम चाहे प्रैक्टिस करो या ना करो तुम जॉब करो या ना करो तुमको फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट है कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर पाओगे आप समझ रहे बात अगर मुझे समझ ही नहीं रहा है कि कंपनी बिजनेस कैसे कर रहा है उसमें वैल्यू एडिशन करने का तो स्कोप ही नहीं आएगा इसीलिए चैप्टर वन एंड टू अंडरस्टैंडिंग बहुत एसेंशियल है रादर एट दिस अर्ली एज आपके दिमाग में थोड़ा बेस डेवलप होगा अगली बार आपको जब इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा पी टू पी प्रोसेस क्या है तो आपका से डर नहीं लगेगा यह प्रोसेस क्या होता है बिकॉज इट इज नथिंग बट अ परचेज प्रोसेस नो वर्ड क्या है पी टू पी मतलब प्रोक्योरमेंट टू पे गुड्स को प्रोक्योर करने से लेकर के पेमेंट करने तक का प्रोसेस मतलब इट इज नथिंग बट परचेज प्रोसेस आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट बट ये टर्म्स जो हैं यही आपको प्रोफेशनल्स बनाएंगे ज वाई आई विल भी ट्रीटेड कि एक इंसान जो बोल रहा है ये प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज को यूज कर रहा है ना कि जनरल टर्म्स को यूज कर रहा है आपको यही चीजें अपने अंदर इंटीग्रेट करनी है बहुत सारी चीजें ऐसी रहेगी जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी मतलब आप पढ़ोगे दो मिनट के लिए आपको लगेगा ये मुझे ऑलरेडी मालूम था द ओनली थिंग इज आई डेंट नो दर इज अ न्यू टर्म फॉर दिस बस मुझे वो टर्म्स को अंडरस्टैंड करना होगा एंड फिर आपको अपना वोकेबुलरी बिल्ड करना है कि इन टर्म्स को मैं अपने सेंटेंसेज में किस तरीके से यूज कर पाऊंगा ताकि यू एटलीस्ट साउंड प्रोफेशनल आई होप यूर अंडस्टैंडिंग माई पॉइंट This is your chapter 1 and 2. Now, the interesting part is your module number 2. This is how it will look like. A very small module. Three chapters. Chapter 3, 4, 5. Look at chapter number 3. This is where little bit of IT will come into picture. Information system. What do you about ट ऑल योर डेटा राइट एंड देन यू यूज दिस डेटा टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन एंड फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन यू मेक अ डिसीजन इन लाइफ मतलब अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है प्योरली रॉ डेटा के बेसिस पे मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूं डिसीजन लेने के लिए मेरे को उस डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा क्लीन करना पड़ेगा एक अच्छे तरीके से डेटा को प्रेजेंट किया जाएगा तब मैं उससे डिसीजन मेकिंग कर पाऊंगा चैप्टर थ्री इज ऑल अबाउट दैट कि हर अबाउटनाइजेशन के पास आज की तारीख में भर भर के डेटा है डेटा को अक्यूमिलेशन कैसे करना चाहिए क्लीनजिंग कैसे करना चाहिए अलग अलग रिपोर्ट में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ताकि कंपनी के बिजनेस को रन करने वाले लोग सही डिसीजन सही टाइम पे ले सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिक शब्दों में आपने एम आई एस सुना होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका बहुत बड़ा बिजनेस है यू हैव हंड्रेड ब्रांचेस किस ब्रांच में क्या हो रहा है हाउ विल यू गेट टू नो बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस आपको वहां से इन्फॉर्मेशन आ रहा होगा मेरे इस ब्रांच से आज हंड्रेड रुपीज का सेल हुआ है इस ब्रांच से दो सौ रुपए का सेल हुआ है कहां पर कितना इन्वेंट्री पड़ा है आई नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस राइट दिस इज वाई आई हैव अ इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन प्लेस यहां बस एक प्रॉब्लम है कौन कौनसेप्ट बहुत अच्छा है यहां वो कैनेडा अवे हो गया नाउ टेल यू एक जमाने में सी ए फाइनल में एक सब्जेक्ट था इसका आई टी इन सी ए फाइनल वो सब्जेक्ट डिलीट कर दिया देखने के लिए उसमें से मेजोरिटी चीजें कंट्रोल एक्स सी नहीं कंट्रोल एक्स कट वहां से निकाल के यहां लेके आ गए और कंट्रोल्स बहुत लिखे हैं बहुत मतलब बहुत इतने कंट्रोल्स लिखे जिंदगी में तुमको वर्ड कंट्रोल सुन के स्ट्रेस आएगा मतलब इतना कंट्रोल है इतना कंट्रोल है, इसके बाद तो बता रहा है तुमको ये रेलिवेंट हो ही नहीं सकता लाइफ में कुछ भी हो जाए तुमको हंड्रेड परसेंट लगेगा ये कोई गम का नहीं है समझ लो मेरा बात जिस दिन तुम आर्टिकलशिप करने के लिए फॉर्म में जाएगा ये वर्ड वापस आना शुरू हो जाएगा आपको लगेगा बस इस बार एक ही पॉजिटिव चीज है मेरे को लिखना नहीं है एग्जाम में <laughs> समझ लो मेरा बात इज बी लाइक अब मेरे को समझना चाहिए इसको तो मैं बोलता हूं, थोड़ा जल्दी पहले मैं समझाता ट्राई करना आई एम श्योर sure इसमें बहुत सारी चीजें इमेजिनरी हो जाएगी मैं बोलूंगा बोलोगे ऐसा हो भी सकता है क्या इट इज गोइंग टू बी ए मतलब इतना मजेदार चीजें है और ये वर्ड्स मैं बोल रहा हूं ऐसा का ऐसा यूज किया जाता है द ओनली प्रॉब्लम इज वो वर्ड बहुत सही है अंदर उसके जो उन्होंने निबंध लिखा है ना यू आर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट एंड प्रॉब्लम इज वो एक हेडिंग के ऊपर वो निबंध पे क्वेश्चन पूछता है मतलब देर इज ए कैटेगरी ऑफ कंट्रोल देर आर फाइव कंट्रोल्स दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन वन ऑफ कंट्रोल्स आई होप योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ट्रबल कम्स प्लीज पर यह माइंडसेट से अगर कर शुरुआत करोगे ना डे वन पे तो तुम बोलोगे चैप्टर थ्री ऑप्शन साइड में है. सर वेटेज बताओ कितना है मेरे को दिमाग लगाने का नहीं है अच्छा बेस्ट पार्ट ई आईस एस एम का एवरी चैप्टर एज इक्वल वेटेज आई से बोला मेरे को बाइफ्रिकेट करना ही नहीं है पचास मार्क पांच चैप्टर टेन बात खत्म डू यू गेट पॉइंट सिंपल है यू कांट लीव एनी चैप्टर यू कांट लीव एनी चैप्टर ऑब्वियसली ना कोई चैप्टर छोड़ करके गए पता चले उधर से सबसे आसान क्वेश्चन है आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट सो चैप्टर थ्री विल बी अ फन चैप्टर दिस विल टेक लॉर्ड ऑफ डेज रियलाइज़ कर रहे होंगे हर चैप्टर ऑलमोस्ट अलग है थर्ड थोड़ा, थोड़ा अपने आप में अलग हो गया पक्का। मतलब <laughs> यहां तो शुरुआत ऐसा है मतलब लिटरली ऐसा होता है ना कि आप कोई एक्चुअली माउंटेन चढ़ने के लिए ट्रेकिंग करने के लिए शुरुआत बहुत आसान होता है समझ रहे मेरा बात

I changed my mind. I am going to start with chapter four, e-commerce. <laughs> ये आपके बी सी मेरा बात बस उसके ऊपर एक chapter बनाया है और ये भी कुछ almost सत्तर अस्सी बीच का है बस बस पर ये chapter आसान है मतलब this is actually very simple। मतलब दो तीन concept अगर मैं हटा दूँ, तो बाकी सब तो बहुत ही easy है और आपको समझ में भी आएंगे And this will be a fun thing to start with at least. That will be your 4. Again, अपने आप में अलग दुनिया है 5, जो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे. अभी देखो एडवांस अकाउंट्स में तुमको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ाया जाएगा थोड़े दिन पहले तुमको शेड्यूल थ्री पढ़ाया होगा पढ़ाया था क्या पक्का बहुत क्वेश्चन पूछेगा शेड्यूल थ्री पे बोल रहा हूं क्योंकि शेड्यूल थ्री पे क्वेश्चन अकाउंट्स में कम ऑडिट में ज्यादा आते हैं बता रहा हूं आपको मैं ये चीज शेड्यूल थ्री में क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है तुमको पढ़ाया मै, <laughs> है मेरे को मालूम है मैं ठीक है सो इन सिंपल टर्म्स आपको एडवांस अकाउंट्स में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ाया जाएगा ऑडिट के अंदर बैंक ऑडिट पढ़ाया जाएगा सब डिपेंडेंट है पहले अकाउंट्स का चैप्टर खत्म होगा फिर ऑडिट का चैप्टर खत्म होगा और फिर ईएस yes चैप्टर खत्म होगा आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट

स बैक आप एक ब्रांच के कस्टमर थे आज आप बैंक के कस्टमर हो क्योंकि ब्रांचेस का रिलेवेंस खत्म हो गया है एवरी थिंग्राइज आई होप यंग सोलूशन जो एकदम है पूरे बैंकिंग ऑपरेशन को कनेक्ट करता है वो चीज हम चैप्टर नंबर फाइव के अंदर पढ़ेंगे एटलीस्ट पांच चैप्टर क्या है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हम किस किस डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं उतना समझ में आया क्या ई आई एस में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर फोर के साथ में इज आर क्लियर टू यू अच्छा वन मोर थिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट उसका इंट्रोडक्शन वी विल हैव टुडे एंड हाउ वी विल प्रोसीड दो मिनट ले शांति से सुनना ऑलमोस्ट वी नीड 150 फिफ्टी आवर्स टू फिनिश ई आई एस एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ई आई एस नीड्स हंड्रेड आवर्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नीड्स फिफ्टी आवर्स ये जनरल रिक्वायरमेंट रहता है डू यू गेट माई पॉइंट मुझे लगता है

इतना ज्यादा कंटेंट है हां अगर मुझे ऐसा तरीका है कि मैं मॉड्यूल बंद कर दूं आपको एक्सप्लेन करूं आपको समझ जाएगा बट आप लिख नहीं पाओगे यार सी इन थियरी द बिगेस्ट चैलेंजेस आपको ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि मॉड्यूल में जो लिखा है जो मेरे को आता है कि नहीं आता है और अगर वो कॉन्फिडेंस मैं आने दे पाऊंगा तो आप खुद से वो रीड नहीं कर पाओगे सी इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इट्स डिफरेंट आई कैन एक्सप्लेन यू अर कॉन्सेप्ट आई कैन सॉल्व टू थ्री क्वेश्चन गिव यू अ गुड कॉन्फिडेंस और तुम कर पाओगे आगे यहां वो पॉसिबल नहीं होगा आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली यहां पर लिटरली हर एक हेडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो अगर आप खुद से पढ़ने के लिए गए चैलेंजिंग हो जाएगा यहां पर मेरा जॉब टफ है आई 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 हैव टू फिनिश एंटायर मॉड्यूल एंड एंड मीन दैट दैट फॉर दिस विल नीड आवर्स नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन मतलब मैं बोल रहा हूं पॉसिबल ही नहीं होगा आपको सच्ची बता रहा हूं मतलब कोई टाइम पास नहीं होने वाला है बट फिर भी मेरे को एक सौ पचास घंटा लगेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाने के लिए और आपको रियलाइज होगा कि कंटेंट ही इतना ज्यादा है उसको उड़ाने तो बात अलग है खत्म नहीं किया जा सकता पहले ही दिन क्लियरली बोल रहा हूं दिस टाइम

एस एम पहले खत्म हो जाएगा अदरवाइज इन दी एंड आई टेल यू वॉट हैपन्स नॉर्मली जब एस एम को अब लास्ट में शुरू करते हो ना बच्चा इससे इतना थक जाता है कि उसको लाइट लेता है एंड एक्चुअली में पास होना उसकी वजह से पॉसिबल है <laughs> मैं जो तुमको सच बता रहा हूँ, समझ रहे हो मेरे बात खुद ये आई दोनों पढ़ाता है और क्लियरली बता रहे हैं उसमें टोटल दो सौ पेज है मतलब यहाँ का दो चैप्टर डू यू गेट माई पॉइंट सेम विज पचास मार्क लैंग्वेज एक बार में समझ में आने वाला है बस तकलीफ एक ही है क्योंकि वो बहुत आसान है आप उसको बहुत लाइटली लोगे और उधेरी लग जाएगी क्योंकि वहां पर आप यू विल नॉट ट्राई टू गो क्लोज टू आई सी आई लैंग्वेज एंड ऑन दैट डे ऑल्सो आई टोल्ड यू एंड आई एम रिपीटिंग द स्टूडेंट सेल्फ इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आईसीआई विल एक्सपेक्ट यू टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू मॉड्यूल लैंग्वेज क्योंकि वहां पर कंटेंट लिमिटेड है एंड जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है ना बहुत ओपन एंडेड होता है अगर आप अपने हिसाब से मैनेजमेंट लिखने के लिए जाओगे

मॉड्यूल आई थिंक अलाउड टू इट नो प्रॉब्लम एट ऑल विल शेयर अ लिस्ट विद यू आइडियली कि पहले कौन से बच्चे कलेक्ट करेंगे बैचेस में डिवाइड करेंगे ताकि वहां बहुत लंबा ऐसा लाइन ना लगे आई होप आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट आपको सारे सब्जेक्ट के सारे मॉड्यूल्स कल मिल जाएंगे यू गेट माई पॉइंट ऑल मॉड्यूल्स एट वॉन्स आई वुड वॉन्ट सारे मॉड्यूल्स आपके पास में डे वन पे होना चाहिए ई में आपको तीन मॉड्यूल मिलेगा मॉड्यूल वन टू थ्री मॉड्यूल वन इज गोइंग टू बी अबाउट चैप्टर वन एंड टू मॉड्यूल टू इज चैप्टर आपके सामने जो है मॉड्यूल थ्री इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल क्यू है ए बुक वो कंबाइंड बनाया आई एस और एस एन दोनों का यहां पर आज तक एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे हैं हर चैप्टर से वो अक्यूमिलेशन है पूरे के पूरे ऑनेस्टली ऑनिस्टली क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुमको डे वन पे बता देता हूँ बट इसके भरोसे रहना मत आपको मैं एक पी डी एफ भेजूंगा आपको मालूम चल गया होगा अभी तक आपके सीनियर वगैरह से समझ रहे मेरे बात लास्ट में एक पीडीएफ भेजूंगा ठीक है वंस द सिलेबस इज ओवर तुम्हारा प्रिपरेशन होने के बाद उसके पहले नहीं पहले बोल रहा हूं उसके बाद में आराम से लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एवरी चैप्टर इन जनरल इन जनरल टू मार्क्स विल बी फ्रॉम देयर एंड इट इज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू इट इज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट मतलब इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल ई कैन टेल यू इस चैप्टर में से ये आठ या नौ क्वेश्चन है इसके अंदर से ही आएगा बेस्ट पार्ट है ई बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं मतलब उधर ही रहेगा समझ लो रहे मेरा बात तो प्लीज वो स्ट्रेस मत रखो जिंदगी में तो क्या याद करना है कौन सा सब बता के रखेगा पर याद तेरे को करेंगे <laughs> समझ रहे मेरा बात हाँ मैं एक काम करेगा ट विल डू इंड दिस विल अपलाई बोथ इन ई आस एन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अभी तो डे वन है स्लोली स्लोली जो भी मेजोरिटी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जैसे मुझे पंद्रह बीस क्वेश्चन इम्पोर्ट है उसमें उस से मेजोरिटी चीजें क्लास में खुद समाइज करवा दूंगा डे एक आध एक होमवर्क दूंगा ये तो लॉजिकल है यार देखो अगर तुम सोच रहे हो ना कि लास्ट डे जाके सर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है क्या एक दिन पहले तो टीचर क्या बोलेगा परसों तो एग्जाम में समझ रहे नहीं बेटा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि अब तू प्रैक्टिस शुरू करेगा कुछ होने वाला तो है नहीं बट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टूडे हंड्रेड परसेंट बेनिफिशियल आपको लिखना ही पड़ेगा बेटा थोड़ा मेहनत डालना पड़ेगा कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होगा कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग रहेगा अगेन है यार इट्स लाइक द सेम स्कूल सिचुएशन सम ऑफ यू लैंग्वेज सब्जेक्ट्स वर इजी सम ऑफ यू लैंग्वेज सब्जेक्ट्स वर स्ट्रगलिंग डू यू गेट माई पॉइंट Some of you, आपका OCM, BC के ये बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स रहे होंगे यार बहुत सारा कॉन्टेंट उसमें से आपको याद करके लिखना पड़ता होगा तो ये सब्जेक्टिव रहने वाला है पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा मैं ट्राई करेगा आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी एवरेज पर्सन पर आम एवरेज पर्सन उस परसपेक्टिव से अपन शुरू करेंगे कि आपको कैसे लिखना चाहिए इज आर क्लियर टू यू कैन यू गेट सार्ट एंड चलो लेट्स कम टू मॉड्यूल नंबर टू जो आपके पास नहीं है आज कल मिल जाएगा चैप्टर नंबर फोर ई कॉमर्स What is e-commerce? Have you heard the word? है मालूम रहेगा यार तुमको यार मैं नहीं मालूम ना e-commerce का बहुत इधर practical knowledge दे भी नहीं पाएगा आपको यार क्या e-commerce है यार मुझे भी नहीं आता मतलब Amazon पे जाके मुझे product खरीदना पड़ेगा ना बताने के लिए आपको practical knowledge इतना difficult मैं नहीं कर सकता है chapter फोर You'll see a word e-commerce, m-commerce, and emerging technologies. Shuruat karenge with the word e-commerce. Simple shabdom. I'm sure you all are aware of this. All businesses, if in some or the other way they can be done electronically, that's nothing but e-commerce. But simple air. You use bigbasket.com today to buy groceries. एमेजॉन फ्लिपकार्ट वट एवर यू वॉन्ट टू ऑर्डर फॉर दर क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ ई कॉमर्स मतलब जो चीज हम जिंदगी में कमर्शियल ट्रांजेक्शंस कोई भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट के थ्रू नहीं किया करते थे वो हमारे लिए नॉर्मल कमर्शियल बिजनेसेस नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजेक्शन थे अगर मैं बोलता हूँ वो ट्रांजेक्शंस आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो यूजिंग इंटरनेट वो मेरे लिए क्या कहलाएगा ई e कॉमर्स कहलाएगा क्या एकदम बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है और सबको ऑलरेडी मालूम रहेगा इज दट क्लियर टू यू आई वॉन्ट ऑल टू रीड वन लाइन तो यहां पर ना सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लिखा बहुत सारा है और अच्छा एक चीज बिफोर यू पहले चार पांच दिन मैं आपको ऐसा सडनली आकर के बोलते जाऊंगा कुछ तो आफ्टर रीडिंग ऑल मॉड्यूल वन टू एंड क्यू एन ए मॉड्यूल क्या आपको आईसीआई मॉड्यूल ओपन करने का जरूरत है मैंने सब वहीं से उठाया समझ रहे मेरा बात मैंने कुछ भी अलग नहीं लिखा है एक भी एग्जाम्पल नया नहीं लिखा है सेम एज आई से मॉड्यूल कुछ भी अलग नहीं है हां कहीं कहीं जहां मेरे को लगा होगा उनका एक्सप्लेन बहुत ज्यादा है थोड़ा समराइज कर दिया होगा मैंने डिओगेट मैं बोल रहा हूं ऑलमोस्ट सिक्वेंस भी सेम है कुछ चेंज नहीं किया इट्स जस्ट दैट अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया स्टूडेंट हैज फ्यर इफ आई ओपन आई सी मॉड्यूल आई वोट अंडरस्टैंड एनीथिंग आई एम जस्ट्रेंग पर से इसीलिए मॉड्यूल है अदरवाइज सेम है कोई डिफरेंस नहीं है अगर आपको पढ़ना भी हो तो ओपन करना एकदम सेम लगेगा बस थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कहीं एक्सप्लेनेशन ज्यादा रहेगा कहीं एक्सप्लेनेशन कम रहेगा और कोई डिफरेंस नहीं है वट एवर विच कैन बी आस्ट फ्रॉम द मॉड्यूल एवरीथिंग इज हियर डू यू गेट माई पॉइंट एंड दिस अप्लाइज फॉर ई आई एस एज वेल एज ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज वेल एज ऑडिटिंग एवरीथिंग बस थोड़ा ऑडिटिंग के अंदर मैकेनिज्म अलग रहेगा क्यों ऐसा है बताऊंगा क्योंकि ऑडिट में आपकी जो बुक्स है वो बहुत ज्यादा है आई विल एक्सप्लेन यू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर डू यू गेट माई पॉइंट कोई रेफर करने का जरूरत नहीं सेम ही चीज और आप चाहो तो डे वन में डायरेक्टली वो भी रेफर कर सकते हो मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है आई एम टेलिंग यू क्लियरली बिकॉज इट इज इज सेम नो डिफरेंस क्लियर है क्या पहला पॉइंट हाँ। तो अभी कंटेंट बहुत ज्यादा रहेगा हमें बस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को पिक करना है और डिस्कस करना है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड पॉइंट नंबर डी जस्ट रीड द फर्स्ट लाइन पॉइंट नंबर डी खुद के लिए पढ़ो पड़ोसी के लिए मत पढ़ो एकदम सिंपल है नोटबुक्स निकालो है नोटबुक्स हमारे पास में आयो यार ऐसा मुठा कैसे थोड़ी आगे नोटबुक वगैरह हाँ प्लीज सिंसियरली आई के लिए एक नोटबुक चाहिए एक दोनों के लिए काफी है ऑडिटिंग के लिए एक अलग से नोटबुक चाहिए प्लीज एक सिंगल नोटबुक में चार सब्जेक्ट मत चलाना आई डोंट वॉन्ट दैट आई एम टेलिंग यू एंड जो आप लिखने वाले हो ना डेली बेसिस उसको रफ नोट जैसे मत लिखना सिंसियरली लिखना ऑनेस्टली बता रहा हूं तुम्हारे को ही फायदा होने वाला है लास्ट डे वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा यू विल रियलाइज दैट एंड तुम अंदर ही अंदर सोच के बोलोगे भैया फर्स्ट डे बोला था अच्छा बोला था वरना आगे बहुत तकलीफ होगा नोटबुक्स गिवन एक्साइडिंग ई आई एस चैप्टर नंबर फोर डू यू हैव नोटबुक्स सबके पास है क्या ऑनेस्टली बताओ नहीं है तो पड़ोसी से एक पेज ले लो आज के लिए बट प्लीज नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो उसके पहले नोटबुक लेके आ जाना ठीक है चलो ई आई एस चैप्टर फोर ई कॉमर्स अंडर दैट पॉइंट नंबर वन डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स ई आई एस सबसे पहले चैप्टर फोर नाम लिख दो ई e कॉमर्स under that concept number one, definition of e-commerce. definition of e-commerce. it refers to the process of. it refers the process of. doing business electronically. process of doing business electronically. एग्जाम्पल ऑल ऑल डॉट कॉम प्लेटफॉर्म ऑल डॉट कॉम प्लेटफॉर्म सच एज एमेजॉन ऑल डॉट ऑल डॉट कॉम प्लेटफॉर्म सच एज एमेजॉन कॉम आप फ्लिपकार्ट ऐसा मेरे साथ एवरीडे होगा हा? पहले बता रहा हूं धीरे मैं कुछ ना कुछ वर्ड में गलत प्रोनाउंस कर दूंगा ठीक है Uh, Amazon, Flipkart, etc. You know, dot com companies? So, all your website based companies normally are called as dot com companies. Or this word became very popular in the US, ke under, late 90s. Ke under, because they had a bubble called as dot com bubble. And all your internet based companies started shooting up significantly in terms of valuation. I think we also seeing the same thing in India. फटाफट कम हो गया मतलब यू नो सब्जेक्ट इट इजीएम अवेयर जोमैटो मतलब सिग्निफिकेंट फॉल आया फ्रॉम दी ओरिजिनल बिफोर उनका लिस्टिंग हुआ था ideally. तो सर इन सिंपल टर्म्स ऑल योर बिजनेसिस जो सर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट किया जा सकते हैं वो मेरे लिए सिंपल शब्दों में ई कॉमर्स कहलाता है बेसिक मीनिंग क्लियर है क्या आगे बढ़े अब आईसीआई ने एक सबसे डिफिकल्ट दिया e तो तुमको हुई पढ़ना पड़ेगा देखो एग्जाम्पल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी हैज एंटर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ वेकिंग अप टेन अलार्म क्लॉक विथ स्नूज बटन टूडे मोबाइल अलार्मी डिफरेंट टाइप्स एग्जाम्पल देखो उन्होंने क्या दिया नव पीपल हैव फायर अलार्म ऑल्सो डू नो दैट बहुत कॉमन है ये चीज जिसको आदत है कि बिल्कुल में उठ ही नहीं सकता है और फायर अलार्म भी लगाता है मतलब पीपल है यूजलेस कैन आई गो नेक्स्ट नेक्स्ट जगह मॉर्निंग चोर्स पहले आप उठते थे खाना वाना बनाएंगे अभी होम डिलीवरी यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन नाइस गोइंग टू ऑफिस पहले आपको ऑटो रिक्शा का जरूरत पड़ता था भैया को पूछना पड़ता था भैया आप जाएंगे क्या वहाँ तक अभी आपके पास में ऊबर है ओला है जुगनू एक एप्लीकेशन पहले बहुत फेमस हुआ था ऑटो वाला उसको you know, साथ में एग्रीगेट करने के लिए इट बिकेम फेमस वन सपॉन अ टाइम बट आज ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो आपके लिए उबर और ओला है आइडियली अब हम पूरा साइकिल रिपीट कर चुके हैं जिंदगी में मैं आपको बोला भी था पहले ऑटो वाले भैया नहीं जा रहे थे इसलिए उबर चाहिए था अब उबर नहीं जाता इसलिए ऑटो वाले भैया चाहिए आई होंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कम बैक द फुल सर्कल ऑफ लाइफ दिस ऑलवेज है नेक्स्ट ऑफिस एडमिन कुरियर वगैरह सेंड करने का है, तो आपको इन पर्सन जाना पड़ता था आईडियली नाउ इट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम योर ऑफिस डायरेक्टली अब शेड्यूल कर सकते हो मतलब डी या किसी के पास में दे कैन कम एंड कलेक्ट फ्रॉम योर प्रोमाइस बेसिकली आपको बता रहा है हाउ थिंग्स हैव रियली चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ई कॉमर्स की वजह से हाउ इट वॉज अर्लियर एंड हाउ इट इज टूडे एकदम बी कॉम लेवल कंटेंट मतलब आई थिंक बी कॉम भी थोड़ा बेटर है ये ठीक है इज इज क्लियर टू यू आगे बढ़े डायरेक्टली टाइम पास है चलो आगे आ जाओ सीधा ये डायग्राम देखो स्पेंड वन मिनट बहुत डिफिकल्टी डन कैन आई गो नेक्स्ट वापस है। इन सब चीजों का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता जहां <laughs> जरूरत पड़ेगी आई विल इंटरव्यू डोंट वरी अबाउट दिस कैन आई गो नेक्स्ट अभी एग्जाम में आईसीआई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स वो एक ओवर व्यू था अभी छह मार्क के लिए क्वेश्चन अगर आया तो आंसर तो लिखना पड़ेगा ना ऐसा प्रॉपर टेबल बना करके बेसिस ट्रेडिशनल ई कॉमर्स ऐसे पॉइंट लिखने पड़ेंगे समझो ना मेरा बात बहुत सारे लिख के दिया उन्होंने फटाफट से क्विकली डिस्कस करते हैं आपको क्या लगता है आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है जल्दी जल्दी लेट्स क्विकली डिस्कस वन बाय वन एक एक पॉइंट बताते जाओ जल्दी से हाउ इट वॉज अर्लियर हाउ इट इज टू डे वॉट यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिशनल बिजनेस एंड अ ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस फटाफट से बताओ फिजिकल स्टोर अभी फिजिकल स्टोर्स नहीं है अच्छा यहीं भी मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा डोंट यू थिंक ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनको भी कभी कभी डर लगता है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनको भी डर लगता है कि यार फिजिकल स्टोर भी होना वन प्लस ओपन किया कि नहीं किया इट इज एक्सपीरियंस स्टोर इट इज अक्सपीरियंस वन प्लस का स्टोर इज नॉट ट्राइंग टू सेल वन प्लस का स्टोर इज ट्राइंग टू इंश्योर दैट मेरे जो प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर है उन्हें पता होना चाहिए मेरा प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कैसा है बिकॉज उन्हें मालूम है हम थोड़ा हाई वैल्यू आइटम्स में डील करते हैं समटाइम्स पीपल वुड वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट बिफोर दे वॉन्ट टू ऑर्डर हम मान सकते हैं कि हमारे पड़ोसी के पास वन प्लस हम जाकर के वहां एक्सपीरियंस करेंगे पहले आई अंडरस्टैंड दैट लाइक इट वर्क डिफरेंटली बट स्टिल एक कंपनी तो सोचेगा ना दैट मे एवरी वन मे नॉट बी कंफर्टेबल इन दैट डू यू गेट माई पॉइंट सम पीपल वुड स्टिल वॉन्ट कंपनी के प्रमाइस में जाएगा वहां जाके प्रोडक्ट को देखेगा ठीक लगेगा तो ऑर्डर प्लेस करेगा तो इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टूडे ऑल रियलाइज दैट ठीक है मेरा ऑनलाइन सेल्स अच्छा रहा है सेम टाइम जो आपका फिजिकल स्टोर्स का सेल हैली खत्म नहीं होगा परचेस करना चाहेगा इन केस ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल ज्यूलरी बिजनेस कैन ऑर्डर ज्यूलरी ऑनलाइन येस आई कैन बट डू एवरी वन ऑर्डर अगेन इट्स वेरी क्वेश्चनेबल सिशन सो इट डजेंट वर्क एग्जैक्टली सेम वे इन एवरी इंडस्ट्री हर इंडस्ट्री के लिए वो थोड़ी अलग हो सकती है ट्रेडिशनल तो, yes, right. e बिजनेस के अंदर या इ e कॉमर्स में ई कॉमर्स है प्रोसेस आसान हो गया आई केस्ट प्लीज यू ऑर्डर सिटिंग इन द्लास थोड़ा सर फालतू कुछ बोल रहे हैं खरीद लेते हैं ले कुछ तो

का मतलब दिमाग खराब हो जाएगा कौन सा साइट लेना चाहिए बट यस ओवरऑल प्रोसेस इतनी स्ट्रीमलाइन है कि आपको उनको जाके बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा वहां जाकर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा कंपेरिटिवली आपका ट्रांजेक्शन ईजिली हो सकता है एनिमल्स ट्वेंटी सेवनटीन वेन एमेजॉन स्टार्टेड रिसर्चिंग स्टार्टेड क्रिएटिंग यू गेट माई पॉइंट परमिशन ऑल्सो ंडस्टैंडिंग बट उन्होंने आई होप यो आई एम ट्राइंग से कभी कभी ऐसा हो जाएगा इट्स ओके बट फाइन ओके और बोलो बार्गेनिंग पॉवर वॉज मोर इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस ये पॉइंट वैलिड है यार मतलब हाँ बारगेनिंग का हालांकि उस बिचर ने लिखा है फिक्स प्राइस तो <laughs> कुछ तो मर्स आई थिंक यू ट्राई टू फाइंड कूपन्स अलग जैसे कूपन ढूंढने का ट्राई करता तू इधर दस परसेंट मिल जाए पांच सौ सो क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट मिल जाए देर कैन बी समिजम लुक फॉर दैट ओके नॉट बैड ट्रेडिशनल में प्रोडक्ट का क्वालिटी अश्योरेंस था यू नो दैट वेन एमेजोन स्टार्ट एड पिकिंग अप आई एम टॉकिंग अबाउट ट्वेंटी एटीन इंडिया वॉज डम्प्ड विथ फेक प्रोडक्ट्स

मतलब ऑब्वियसली दे हैड कंट्रोल्स बट कंट्रोल्स कुड बी बाईपास्ड क्या होता है बताऊंगा डोंट वरी मतलब प्रोसेस था बट लोग प्रोसेस को ओवरराइड कर पा रहे थे उसको जंप कर पा रहे थे आइडियली ये एक प्रॉब्लम था बहुत ज्यादा बट इवेंचुअली उनको बहुत एडवर्टाइजिंग करना पड़ा मार्केटिंग करना पड़ा दैट नहीं अगर आप अमेजोन से खरीद रहे हो या आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर रहे हो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही आएगा सिंपल चीज है यार इफ यर बाइंग अ रोलेक्स वॉच जिसका तुमको मालूम है प्राइस बारह हजार डॉलर है और वो बोल रहा है बारह सौ रुपये में मिलेगा आई <laughs> होप र नॉट सो नाइव टू अंडरस्टैंड क्लियर है ना वो चीज तो आईडियली ठीक है ओके एनी वन एल्स ई कॉमर्स एज वाइडर रीच दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक फिजिकल स्टोर के लिए आपका लिमिटेड टारगेट मार्केट था ई e कॉमर्स के लिए यूर एटायर वर्ल्ड इज द टारगेट मार्केट इट डिपेंड्स ऑन यू आप पूरे इंडिया में भी सेल कर सकते हो ग्लोबली सेल कर सकते हो दैट इज वन एसेंशियल पार्ट बहुत सारे बिजनेस को इसकी वजह से सिग्निफिकेंटली फायदा भी मिला यस टू टी शर्ट वेराइटी ज्यादा होता है क्लर ई कॉमर्स में ठीक है वैरायटी ज्यादा होता है ओके तो कौन सा लो बेटर है ट्रेडिशनल कॉमर्स बेटर है ई-कॉमर्स बेटर है लेकिन डायरेक्टली गुड द कंपनी हैव यू एवर ट्राइड ऑर्डरिंग अ लैपटॉप फ्रॉम Amazon एंड आफ्टर दैट यू वांट टू गिव इट बैक दे हैव मल्टीपल स्टेप्स दे हैव ट्राइड टू डिजाइन अ प्रोसेस बट दे हैव टू दे हैव डिजाइनड अ प्रोसेस इन सच अ मैनर तुम उसको रिटर्न ना करो फ यू सी केयरफुली अरे देखो जब उन्होंने इंडिया में बोला आप ऑर्डर करो नहीं समझ में वापस दे दो लोगों ने इतना परेशान किया अरे आई एम श्योर लोगों ने भर भर के ऑर्डर किया दस चीज ऑर्डर किया चाहिए एक ही है। नहीं पसंद आएगा नो वापस भेज देंगे अपना कुरियर थोड़ी लग रहा है चार्जेस आई होप योर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट इतना रिटर्न कियाके लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट तो है यार हैंडलिंग कॉस्ट तो है उनके लिए आई होप योर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट मींरा इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्टार्ट रियलाइजिंग उसने एक एल्वोरे बनाया

I hope you are understanding my point. So they all realize this later on, slowly, slowly. But yes, definitely from a business point of view, बोलने के लिए अच्छा है आप क्या कर सकते हो When you order from e-commerce, कोई परेशान करता है you can go to Twitter. <laughs> देखो तुम डायरेक्टली अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे जाके उसे complaint बोलोगे वो सुनेगा नहीं सुनेगा कोई गारंटी नहीं है Do you गेट माई पॉइंट और ट्विटर पे जाके परेशान किया तो नीचे कम से कम तुम्हारे सपोर्ट में और 2000 लोग आ जाएगा समझ लो मेरा बात और फिर उसको सुनना पड़ेगा इट मे और मे नॉट वर्क अगेन चलो, चलो डिफरेंस पढ़ते हैं करते हैं फटाफट से सबसे पहले ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यहाँ पर क्या है मैनुअल यहाँ पे क्या है वेरी नाइस नेक्स्ट कमर्शियल ट्रांजैक्शन सर ऑब्वियसली अब शॉप इज ओपन फ्रॉम 8 ए टिल सिक्स पी एम कभी हो सकता है और यहाँ पर क्या हो सकता है 24 7 ऑब्वियसली कभी भी उठाओ बोर हो रहा है जिंदगी में तीन बजे उठो खरीदना शुरू कर दो नेक्स्ट नेचर ऑफ परचेजेस यहां पर आप गुड्स को फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकते हो और यहां पर आप फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं कर सकते एकदम पूरा नोटबुक निकालो फटाफट से क्या अरे मैं बोल रहा हूं अनफॉर्चुनेटली ऐसा चीज भी लिखना पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में तुमको आसान लग रहा होगा ये छह माह का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन हम लिख लेंगे लिख लोगे योर ओन नंबर टू डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स अब देखो आई एम नॉट गोइंग टू बिकम इतना बुरा ऑल्सो कि तुमको लिटरली ऐसे टेबल बनवाऊं वगैरह प्लीज डोंट डू दैट दो वो आपका चॉइस आपको करना है कि नहीं करना है अलग अलग पेन्स का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है वो तुम्हारा है मल्टीपल कलर जो तुम यूज करते हो दैट इज योर चॉइस मेरा पॉइंट क्या है ये क्वेश्चन अगर आया अपने को छह पॉइंट आना चाहिए बहुत सारा लिखा हुआ है समझ लो मेरा बात अगर आप इनमें से कोई भी पांच छह पॉइंट आइडेंटिफाई करके अपने नोटबुक में अभी के लिए मे बी इन दो तीन मिनट में लिख लेते हो जब लास्ट डे एग्जाम के लिए पढ़ोगे यू डोंट हैव टू गो दिस पेज यू डोंट हैव टू स्पेंड लाइक ऑलमोस्ट फाइव टेन मिनट्स रीडिंग दिस जस्ट स्पेंड वन मिनट क्विकली गो थ्रू वॉट यू रिटन इन नोटबुक

जल्दी एंड तुम सही भी हो आईसीए उसके लिए तुमको पूरा एक नंबर भी देगा तो इसको भी कॉपी पेश कर रहे हो पढ़ने के बाद खुद भी लिख सकते हो एक बार डन आगे चले बहुत है टेंशन मतलब कोई कमी नहीं लिखने में मैं बोला ना वो कैसा हो है? सिंपल सुनो लिखने के लिए ना चैप्टर भी मल्टीपल लोगों को दिया है और उनका स्टॉक है तो वो तो डिटेल में लिखेंगे मतलब इतना डिटेल में कि पूछो मत डेली ऑनलाइन पब्लिक तुमने लिखा कि नहीं लिखा ऑनलाइन पब्लिक रेस्पॉन्ड करता है क्या तीन चार लोग ठीक है पांच सात दिन जाना तो फिर पकड़ेंगे इनको अभी के लिए कैन यू गो नेक्स्ट फास्ट आगे आ जाओ सर फोकस ऑन द नेक्स्ट वन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रीड दिस पॉइंट नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब यहां पर इन, अच्छा एक चीज और बोल देता हूं कहीं कहीं ऐसा होगा दैट वो कुछ लिखेंगे मैं तो उससे डिसग्री करता ही हूं तुम लोग भी करोगे कहीं ना कहीं ऐसा होगा यार देखो कुछ कुछ जगह पर जैसे आगे एक मार्केटिंग के ऊपर एक पॉइंट आएगा जो मुझे लगता है शायद ऐसा सही नहीं है एक्चुअली में रियलिटी में सिचुएशन थोड़ी अलग है कंपेरेटिवली बट प्लीज ऑथर ने लिखा है मॉड्यूल में लिखा है आर्ग्यू नहीं करेंगे समझ रहा ना मेरा बताइए डील आई टेल यू वॉट इज द राइट पर्स्पेक्टिव फ्रॉम माई साइड बट यू हैव टू जस्ट क्विकली गो और तुम्हारे पास बहुत सारे पॉइंट्स है ना छोड़ दो ना उसको ठीक है नेक्स्ट वन इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज इनके हिसाब से इट्स अ ट्रेडिशनल बिजनेस इज नो प्लेटफॉर्म बेसिकली आपको फिजिकल प्रमाइसिस भी जाना पड़ेगा वहां पर जो उस समय इंसान रहेगा वो आपको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेगा अब अगर यार पांच मेरे पास सेल्स पर्सन है हर सेल्स पर्सन का बात करने का तरीका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का तरीका अलग रहेगा एंड नॉट एवरी वन विल बी इक्वली डू यू गेट माई पॉइंट सो सम वन में शेयर मोर इफॉर्मेशन समन में शेयर लेस इंफॉर्मेशन आइडियली ये बहुत सब्जेक्टिव चीज रहेगा यहां पर कोई ऐसा कंसिस्टेंसी या यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा इन केस ऑफ ई कॉमर्स सब कुछ प्लेटफॉर्म पे है इंसान है नहीं इंफॉर्मेशन देने के लिए जो ऑलरेडी है वहां पर डम्प्ड है तो आपको हर बार चाहे अभी अगर प्लेटफॉर्म ओपन करोगे तो इस शर्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है दो साल के बाद में अगर वो सेम कंपनी का सेम प्रोडक्ट है तो भी ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन सेम ही मिलेगा यहां पर एक यूनिफॉर्मिटी रहेगा कंसिस्टेंसी रहेगा दैट इज अबाउट देयर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग चीज है वो वर्ड मार्केटिंग वन वे एंड वन टू वन प्रॉब्लम बोलता हूं इधर आओ ये पॉइंट डिस्कस करना है मेरे को अंडरस्टैंडिंग के लिए सी मार्केटिंग डिटेल में एक्सप्लेनेशन है इधर आओ जरा रीड दिस डू यू विद दिस थोड़ा दिमाग लगाना शांति से पढ़ के इज अबाउट ई कॉमर्स दे हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी ये तो अग्री करते हो कि नहीं करते हो बाइड इज ट्रू बिकॉज उनको अपना ब्रांड नेम सेल करना पड़ेगा अपना प्रेजेंस को लोगों को प्रूव करना पड़ेगा लोगों को बताना पड़ेगा इट्स अ सेफ प्लेस टू बाय आर गोइंग टू गेट द राइट क्वालिटी प्रोडक्ट एट राइट प्राइस इनको सेलिंग करना पड़ेगा तो मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना पड़ेगा बट देखो नीचे क्या लिखा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज one-to-one -one marketing now very sabse, what is one-to-one -one marketing is actually targeting individual customers and then marketing i hope you're understanding my point point. and a web platform never targets an individual person Kya amazon aapke advertising kar rahe, individually or in general advertising i hope you're understanding my point so it is not really a one-to-one -one marketing i say a module mein, word by word मेरे हिसाब से वन टू वन मार्केटिंग का मतलब क्या है अगर आप बहुत ही प्रीमियम या लग्जरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जहां आपको मालूम है द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी हाई मतलब जो तुम चीज बेच रहे हो ना लेट्स दो लाख रुपए का पांच लाख रुपए का दस लाख रुपए का तुमको मालूम है ये प्लेटफॉर्म में डायरेक्टली बोलूंगा हमारे पास ऐसी चीजें अवेलेबल है लेट्स की वे सिंपल एग्जाम्पल इथोस एक फेमस ब्रांड है क्या लोग वहां से पांच लाख का घड़ी ऑनलाइन खरीदते हैं बहुत कम वेरी लेस पीपल अगर उनका टोटल सेल्स एक्स रहेगा दे विल नॉट से हंड्रेड परसेंट सेल ऑनलाइन आया है अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट राधर आप जब उनको इंटरेस्ट शो करेंगे वो अपना एक पर्सन अलोकेट करेंगे आपको जो आपके घर तक आएगा आपको पंद्रह बीस ऑप्शन दिखाएगा आपको कन्विंस करेगा कि आपने बाय करना चाहिए फिर वो आपके बिहाफ पे ऑर्डर प्लेस करेगा आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कैन आई से टारगेटिंग वन पर्सन दे विस्क यू सो वोट कैन वॉच यू लुकिंग एट आुकिंग एट अ लेदर स्ट्रैप आई यू लुकिंग एट अ स्टेनलेस स्टील का चाहिए तुमको रोज गोल्ड का चाहिए क्या चाहिए तुमको डाइल साइज क्या चाहिए तुमको कलर क्या चाहिए तुमको आईडियली कौन सा तुम्हारा प्रिफर्ड ब्रांड है तुम्हारा ओवरऑल बजट का रेंज क्या है

ये सेम चीज अब एग्जाम में अच्छा ए एस एस एम थर्टी मार्क्स एम सी क्यू ये भी नहीं मालूम मजेदार तो ऐसा सोचते सोचते सब बता दूंगा फिफ्टी मार्क्स फिफ्टी मार्क्स वो लोग मेरे को ऐसा शौक देते जाओगे यार पंद्रह मार्क्स का एम सी क्यू थर्टी फाइव मार्क्स का पर सेम फिफ्टीन थर्टी फाइवर फ्यू इयर्स बैक फ्यू इयर्स बैक करेक्ट इन करेक्ट भी आता था फ़ॉल्स क्वेश्चन समझ रहे मेरे बात? वो भी था एस एस एम में अब उसको निकाल दिया अभी थर्टी मार्क्स का थोड़ा शर्म करो यार थोड़ा शर्म करो तीस मार्क्स का एमसीक्यू मतलब सुनो एक सिक्स क्लियर है फिफ्टीन मार्क्स स्कोर करने के लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है उसके लिए सिर्फ समझने का जरूरत है वो पता है है क्या करेगा? ये सेम जो है ना इ e कॉमर्स को नॉर्मली बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने प्रेजेंस को बिल्ड करने के लिए बस इस पूरे सेंटेंस के आगे कंपनी का नाम लगा देगा एक्स वाई जेड इज प्लानिंग टू एंटर इन टू मार्केटिंग टेक्निक बाई विच रिक्वायर्स मच मनी टू बी इन्वेस्टेड सो दैट दे अ ऑनलाइन इट्स नॉट क्वेश्चन वो सिर्फ कंपनी का नाम ऐड कर रहा है सेम चीज उठा के लिख रहा है इसमें से आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा मार्केटिंग टेक्निक उसने यूज किया है और ऑप्शंस रहेंगे वन वे टू वे वन टू वन एन वन टू मैनी अब तुम्हारे सिलेबस में टोटल दो ही मार्केटिंग के बारे में वर्ड लिखा है इसके लिए कुछ याद करने की आवश्यकता इसीलिए सकते लिटरली चैप्टर से easily मिल जाएगा, मतलब पांच चैप्टर है आइडियली अगर तीन मार्क का भी एमसीक्यू एक चैप्टर से आता है तीन नंबर तेरे को चैप्टर अंडरस्टैंड करने के लिए मिल रहा है ये तीन नंबर का वैल्यू तुझे पता है आराम से मतलब इन सी एग्जाम यू नो रियली वेल दैट वन पेपर कैन नॉट गो the way you were expecting right at least one of that paper can be troubling it is possible it can be eissm it can be advanced accounts it can be auditing or it can be fm or it can be maybe group 1 ha ha but set off mil sakta na aapko what you score extra here can be used as a set off to pass both the groups i hope you know set off pakka जिस तरीके से तुमने मुझे आज सुबह chances आंसर्स दिए मेरे को डर लग रहा है इसलिए मेरे को अभी हर क्वेश्चन पूछना जरूरी हो गया ऐसा लगता है इतना समझ में आया क्या डाउट क्या सर ई आई एस बीस मार्क नहीं आता है क्लियर बाइफरकेशन होता है सेक्शन ए सेक्शन बी ई आई एस कैन बी ओ फिफ्टी मार्क्स ओनली एस एम ऑल्सो विल बी ओ फिफ्टी मार्क्स ओनली इज दैट क्लियर टू यू इट इज नॉट लाइक योर इकोनॉमिक्स एंड बी सी के आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट वेयर समटाइम्स दे केन आस्क यू मोर और लेस यहां ऐसा नहीं है यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिविजन है इज दैट क्लियर आज वापस वन टू वन मार्केटिंग समझ में आएगा क्या डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पक्का नोटबुक्स ये पॉइंट लिखने का तुमको मैं बोलता हूँ क्यों क्योंकि ऐसी चीजों बनता मेरे को पता है जहां उनको लगता है उन्होंने as... really well. इज्जत से मैं आपको सब समझा देगा मेरा पूरा पर्सपेक्टिव दे देगा आखिरी में बोल देगा एग्जाम में कैसा होने वाला है उसको प्लीज रिस्पेक्ट करना सुनना क्योंकि वो तुम्हारे लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है यार सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा पास होना भी जरूरी है आगे जाना है पक्का चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो मार्केटिंग मार्केटिंग विल बी योर बेसिस अंडर ई कॉमर्स अंडर ई कॉमर्स राइट डाउन ई कॉमर्स बिजनेसिस अंडर ई कॉमर्स राइट डाउन ई कॉमर्स बिजनेसेस नीड्स टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी ई कॉमर्स बिजनेसेस नीड्स टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी एंड टाइम to acquire to acquire new customers to acquire new customers in comparison in comparison to traditional businesses in comparison to traditional businesses full stop continue many e-commerce businesses many e-commerce businesses advertise heavily to establish advertise heavily to establish their presence to establish their presence on the web एडवर्टाइज हैवीली टू स्टैब्लिश देयर प्रेजेंट्स ऑन द वेब वेब मतलब इंटरनेट आप बोल सकते दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडवर्टाइज है वेब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टू वन मार्केटिंग यू लर्न अंट कॉन्सेप्ट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन टू वन मार्केटिंग होप यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ सकाजम इसका मतलब कुछ और है रियल लाइफ में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बोले यह गलत है प्लीज एग्जाम में जाके ना लेखें ऐसा नहीं होता है डोंट डू देट डू यू गेट नई अपॉन बट येस इन रियल लाइफ इट एक्चुअली मीन समथिंग एल्स वट अबाउट ट्रेडिशनल कॉमर्स इन केस ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स राइट डाउन आपने डिवाइड किया होगा ना ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई e कॉमर्स को किया है ना अंडर ट्रेडिशनल कॉमर्स राइट डाउन in case of traditional businesses in case of traditional businesses physical presence in case of traditional businesses physical presence is already known is already known to their potential customers to their potential customers, their physical presence is already known to their potential customers. So, they are not required, they are not required to invest, they are not required to invest heavily. क्वायर्ड टू इन्वेस्ट है ज्यादा पैसा खर्च करने का जरूरत ही है नया कस्टमर भी अक्वायर करने के लिए अगेन मैं इससे भी अग्री नहीं करूंगा अब आज की तारीख में तुम ट्रेडिशनल बिजनेस का बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल विजय सेल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बिजनेस फिजिकल स्टोर भी है ऑनलाइन वेबसाइट भी है और हेवीली एडवर्टाइज भी करता है यार क्योंकि वो अपने प्रेजेंस को क्योंकि प्रॉब्लम क्या है इन्होंने एक बहुत ही नैरो लेंस से डिफरेंस लिखा है इफ यू एक्चुअली आस्क मी आप डिवाइड नहीं कर सकते हो टुडे व्हेन ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टेड पिकिंग अप हर फिजिकल स्टोर को भी लगता है ना मेरा भी ऑनलाइन बिजनेस होना चाहिए आई यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट तो वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बिकॉज उसको भी मालूम है इफ आई पुट इन ऑफ मनी थोड़ा बाईर में पैसा इन्वेस्ट करेगा मेरा प्रेजेंस बिल्ड करेगा एंड इफ आई गिव अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट वाई विल पीपल नॉट बाय अरे मेरे को टीवी खरीदने का यार विजय सेल्स से खरीदो क्रोमा से खरीदो या कंपनी की वेबसाइट से खरीदो मेरे को सेम टीवी मिलना चाहिए कंपनी से मिलना चाहिए बात खत्म ठीक बात है कि नहीं आइडियली बट फॉर दैट आई शुड नो देर इज विजय सेल्स इफ आई डोंट नो विजय सेल्स और इफ आई डोंट नो क्रोमा हाउ विल आई कंपेयर सो आइडियली उनको प्रेजेंस बिल्ड करना पड़ेगा ना यार चाहे मेरे फिजिकल स्टोर का प्रेजेंस है या मेरा ऑनलाइन स्टोर का प्रेजेंस है क्या फर्क पड़ता है आइडियली सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इन सिंपल टर्म्स दीज आर ऑल क्वेश्चनेबल सिनेरियोस आइडियली आप क्वेश्चन कर सकते हो ऐसा क्यों लिखा है कुछ कुछ जगह पर ऐसा होगा जहां पर आप क्वेश्चन करोगे मैं भी क्वेश्चन करता हूं कोई ऑप्शन नहीं है ट माई पॉइंट फुल स्टॉप करके वाली को फुल स्टॉप करके कंटिन्यू करूं आपस ट्रेडिशनल बिजनेसेस प्रीफर्स वन वे मार्केटिंग प्रिफर्स वन वे मार्केटिंग वन वे मार्केटिंग अगर उल्टा आर्ग्यू करो ना तो वन टू वन मार्केटिंग बेस्ट टू ट्रेडिशनल बिजनेस करता है जो एक लोकल आदमी है उसको ऑलरेडी मालूम है मेरा शॉप ही दे है। समझ रहे हैं समझ लो क्या मेरा बात आसपास लोग कौन रहा है मेरे को ऑलरेडी मालूम है अब जैसे एक आदमी आता है मेरे को मालूम है इसको ब्लू और आईडी पसंद है तो इसको हमेशा वही चिपकाने का जो उसको पसंद है समझ रहे मेरा बात इसके सामने रेड क्रिटिसाइज करने का अब कोई दूसरा है उसको रेड येलो ही पसंद है उसके सामने ब्लू वाइट क्रिटिसाइज करने का बात समझ में आया नहीं आइडियली वो सेल्स पर्सन का स्किल है यार आइडियली उसको मालूम रहेगा ना किस तरीके से मुझे सामने लोग कन्विंस करने का और सेल्स पर्सन बहुत स्मार्ट होता है वो आपको देख करके डिसाइड करता है क्या बेचने का है इसको समझ लो रहे और रादर कुछ कुछ जगह तो प्राइस भी आपके सबसे डिटरमाइन करता है आप कौन सी गाड़ी से उतर रहे हो समझ लो कितने बजे आ रहे हो मतलब वेरी कॉमन ट्रिक्स बट यस टुडे बिकॉज पीपल आर पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर प्राइसेस आर बिकमिंग स्टैंडर्डाइज तो कंपेरेटिवली चैलेंजिंग होता है बट यस इट इज पॉसिबल क्या आपको ये बात समझ में आया कितना पॉइंट लिखा आप लोगों ने बोलो इन जनरल अभी तक चार पॉइंट लिखा एक दो पॉइंट और लिखने का है? लिखना पड़ेगा पांच पॉइंट हो गया कोई बात नहीं इस पर लड़ाई नहीं करने का अपने को। एक पॉइंट कम ज्यादा पे इट्स ओके। okay. चलो इधर आओ। दो इंपॉर्टेंट एक पहले डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स क्यों ऐसा एक आपको सिचुएशन बोलता हूं मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू फ्रॉड

अगर मैंने इंटरनेशनल रूमिंग ऑन किया होता मैंने उस फोन को यूज किया होता तो मुझे बिल आना चाहिए था यू गेट माई पॉइंट एयरटेल के एप्लीकेशन में समथिंग इंटरनेशनल मैंने उसको बंद करके रखा है एंड जिस भी कंट्री में लोकल सिम लिया बस मेरी एक गलती हो गई मैंने एयरप्लेन मोड ऑन नहीं किया मोड ऑन नहीं किया वॉट आई डिड वॉज मेरा उस फोन के अंदर अभी वेर आई एम स्टिंग वहां पर वाई फाई रहेगा वाई फाई से आप नॉर्मली फोन के अंदर व्हाट्सएप कॉलिंग है जो भी कॉलिंग है आप कर सकते हो आई डीली ई मेल सेंड कर सकते हो सकता है ना देर इज अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जो वाई फाई का सिग्नल वीक रहेगा और उसने मेरा मोबाइल डेटा कंज्यूम किया होगा विदाउट माई परमिशन आई यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट उसका बिल है प्रॉब्लम क्या है मैं आर्ग्यू करना चाहता हूं किधर समझा गया मेरा घर देर इज द ओनली ऑप्शन कॉल आया मेरे पास में क्योंकि उसको भी समझ में आएगा पहली बार इस आदमी का बिल जहां पे 600 बिल आता है पाँच हज़ार बिल आया पर पे करेगा कि नहीं करेगा गारंटी नहीं है तो बिल का ड्यू डेट के पाँच दिन पहले कॉल किया उसने इस बार सर आपको बिल मालूम है ना मतलब तो प्यार से बात किया उसने आई एम श्योर सर आपको आपका ड्यू डेट मालूम रहेगा आई एम श्योर यू विल पे उसको बोला मेरे साथ में ऐसा हुआ उसका आर्ग्यूमेंट क्या सुनो मेरा बात सन जो रिकवरी पर्सन है समझ रहे हो मेरा बात वो रो क्या बोलता है सर आप समझ दे रहे हो मेरा बात आपके फोन में जो सिम कार्ड है चाहे आपने इंटरनेशनल चीज यूज की मतलब रोमिंग ऑन किया या नहीं किया है। तुमने वाई फाई तो यूज किया वाई फाई यूज करने के लिए सिम कार्ड चाहिए आई यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट इस सामने वाला मुझे बोल रहा है उसको बोला आर यू ट्राइंग टू से मैं एक नया फोन खरीदता हूँ सिम कार्ड की मतलब कंपनी के प्रेमाइसिस के दूर दूर तक भी नहीं हूं वाईफाई ऑन करता हूँ क्या फोन को मैं नॉर्मल पर्पज के यूजिंग? यूज मैं गाना सुनना से मेरे को नहीं सुन सकता है क्या वाई से वो सब ठीक है सर तुम्हारे फोन के अंदर सिम था जो अंडरस्टैंडिंग इट्स चैलेंजिंग एंड प्रॉब्लम पता है क्या है तुम अगर पे नहीं करोगे तुम्हारे अगेंस केस फाइल करेगा तुम्हारा स्कोर खराब हो जाएगा और तुम अगली बार जब पैसा लेने के लिए जाओगे बैंक के पास में तो बोलेगा तुमने वो बिल पे नहीं किया था आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और तुम्हारा लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा बिकॉज यू आर फाइटिंग विद एयरटेल आई होप अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ये चैलेंजिंग है और ऐसा बहुत कॉमन चैलेंजेस आप डे टू डे बेस से फेस करोगे तो आपने पहले पता क्या करना चाहिए पे कर देना चाहिए <laughs> स्कोर खराब नहीं होना चाहिए समझ लो कि मेरा बात पहले पे कर देना चाहिए फिर जिस दिन टाइम मिलेगा लड़ेंगे बट दैट इज ऑफ इट इज मेरे को यह सॉल्व करने का मैकेनिज्म क्यों आसान नहीं है यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट इवन आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस टू द कस्टमर आई एक्सप्लेन दैट पर्सन क्लियरली उसमें नहीं तुम्हारा बात तो सही है सर कंप्लेन लिख लेती हूं मैं आपको एक मैसेज आएगा आज तक नहीं आया कंप्लेन एक्सेप्ट किया यह भी मैसेज नहीं आया बिकॉज उसका तीन दिन बाद आर्ग्यूमेंट पता क्या रहेगा आपने कंप्लेन ही नहीं किया आपने किससे बात किया वो क्या मालूम आई होप योर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट

ठीक है इंटरनेशनल फ्लाइट बुक किया अभी इंडिया में तुम टिकट बुक करते वक्त सोचते हैं ना, सोचते लगेज कितना अलाउड है इंडियन तो हंड्रेड परसेंट देखेगा समझ रहे हो मेरा बात है अब लेट से तुम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो और लेट से तुम्हारा फ्लाइट है इंडिया में विस्तारा के साथ में प्लस तुम्हारा कोई एक दूसरा एयरलाइन रहेगा क्योंकि तुम इंडिया के बाहर जा रहे हो तो कनेक्टिंग एयरलाइंस होते हैं तो तुमको टिकट मिला विस्तारा प्लस लेट्स एक्स एयरलाइन उसने बोला तुम जब ट्रैवल कर रहे हो तुम्हें ट्वेंटी थ्री दो बैग अलाउड है तुम दो बैग लेकर के गए आते वक्त उसने बोला सेम वही एक विस्तारा तुमको घर पे छोड़ेगा मतलब पुनः में छोड़ेगा सेम ट्वेंटी थ्री के जी इंटू टू इतना बैग अलाउड है तुम यहां से गए किसी ने नहीं रोका तुम वापस आए उस एयरलाइन ने बोला हम तो दो बैग अलाउ करते ही नहीं है हमारा रूल तो अलग है हमारे देश से कोई बोर्ड करता है ना हम एक ही बैग अलाउ करते हैं टिकट तो पे लिखा हुआ हमने टिकट नहीं दिया टिकट कहां से लिया आपने मेक मै ट्रिप कॉल देम रूल सिंपल है एवरी एक्स्ट्रा बैग यू टू पे टू आई होप यूर बैग दब तेरा फ्लाइट तेरे को मालूम है आधे घंटे बाद तेरे को खत्म करना पड़ेगा प्रोसेस कॉल कर आप कतार में नॉट कतार लाइन में। समझा मेरा बात है? है। you कोई ऑप्शन नहीं होता तुम्हारा आर्ग्यूमेंट होगा इंडिया में आने के बाद उसके पहले नहीं इट्स वेरी वेरी कॉमन और ये बहुत सारे लोग डेली बेसिस बिकॉज देर आर इनकंसिस्टेंसी इन टर्म्स एंड कंडीशन इन कंट्रीज ऑल्सो

स इन मार्केट एंड देर आर अनियर लीगल इश्यूज लूपर लैक ऑफ क्लैरिटी आई एम नॉट अवेयर वेदर दिस ट्रांसैक्शन विच है आपने कभी कभी नोटिस किया होगा जो आपको टिकेट मिलते हैं वहां लिखा रहता है सब्जेक्ट टू इफ देर आर एनी चेंजेस बाय एयरलाइन इवन इफ यू बुक ए टिकेट फ्रॉम इज माई ट्रिप इट्स बाई दाई ट्रिप यस मेक माई ट्रिप अगर आप बुकिंग करता है और नीचे में लिखा रहता है सब्जेक्ट टू द एयरलाइन रूल्स और अगर एयरलाइन ने रूल बदल दिया तो हम कुछ नहीं कर सकता है आईडियली बिकॉज आपको अवेयरनेस जो है ऑल दो दे ऑल आर इंप्रूविंग वो लोग सीमलेस कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहे हैं बट अभी भी देर आर चैलेंजेस वेर यू ट्राई टू फाइट विद एंड यू विल नॉट गेट आंसर मैं आपको ऐसा इतना एग्जाम्पल दे सकता है कि सर्विस इंडस्ट्री में अभी भी ऐसा चैलेंजेस है जो आप एक्चुअली फेस करोगे इन द कमिंग एंड यूल की इन चीजों को ओवरऑल ठीक करना चाहिए बिकॉज यहां पर डायरेक्टली पर्सन नहीं है आपके पास में तो आप अपना आर्ग्यूमेंट भी क्लियरली नहीं कर सकते हो राधर सिंपल है जो कंपनी मेरे को यह चीज सॉल्व करने के लिए प्रॉपर पर्सन अलोकेट करके दे प्रॉपर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करे मैं हमेशा उस कंपनी को प्रेफर करूंगा चाहे वो दो सौ रुपए एक्स्ट्रा लेगा तो भी अगली बार किसी एयरपोर्ट पर दो सौ डॉलर पे नहीं करना पड़ेगा आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पे मेरे को मालूम है स इन मार्केट पता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ क्या सोचता है बैग ही फेंक दू तो क्या होगा <laughs> <laughs> वो क्या सोचता है बैग में सामान जो उसका तो है उसका वैल्यू इतना है कि मतलब like, नहीं मतलब लाइक नहीं दिस समथिंग ऑल इज पर्सनल बिलोंगिंग ऐसा नहीं सोचना चाहिए जिंदगी के अंदर बट आई एम टेलिंग यू तुमको अपॉर्चुनिटी कॉन्स इतना बढ़ा दिया जाएगा जिंदगी के अंदर आई होप यू नो दैट बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव अभी सोचो ना ये सामान इतने में वापस खरीदते तो क्या हो जाएगा

Because of personal interaction, relatively lesser because of personal interaction. In case of e commerce, due to lack of physical presence, due to lack of physical presence and unclear legal issues lack of physical presence and unclear legal issues chances of unclear legal issues chances of frauds are higher chances of frauds are higher chances of frauds are higher कैश चेक क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा यहां पर तुम क्या कर सकते हो सेम क्रेडिट कार्ड फंड ट्रांसफर कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट वॉलेट यूपीसीआई नहीं UPI है यूपीआई है आई होप यू नो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन पक्का

एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स दोनों में से कोई भी एक पॉइंट आप पिक कर सकते हो बहुत स्ट्रेट फॉर्वर्ड है पिक एनी वन डिलीवर ऑफ गुड्स लिख दो यार पेमेंट वाला तो टाइम पास है और वहां पर एक ही वर्ड लिखने का है इंस्टेंट डिलीवरी अच्छा यू डोंट हेट टू राइट द एंटायर वर्ल्ड हाँ ऐसे कैसे लिखने की जरूरत नहीं है अरे ई आई एस का यही अच्छा बात है एस एम में लिखना पड़ेगा मैं तुमको बता रहा हूं ई आई एस का बेस्ट पार्ट यही है समझा पॉइंट सही है इंस्टेंट डिलीवरी और यहां लिख सकते हो इट मे टेक क्वाइट सम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एक्साम्पल इट कैन रेंज फ्रॉम वन डे डिलीवरी टू मे बी सेवन वर्किंग डेज और वर्किंग डेज अपना लैंग्वेज यूज करना ई आई एस में अलाउड है ई आई एस में सिर्फ आपको परफेक्ट बेसिस पिक करने का है अगर आपका बेसिस या हेडिंग परफेक्ट है अंदर का कंटेंट तुम्हारे हिसाब से लिख सकते हो इस सब्जेक्ट का यही बेस्ट पार्ट है आज तक का जो चेकिंग हुआ है उसके बेसिस पे बता रहा हूं आपको मैं यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इज दैट क्लियर टू यू चलो देखो क्लोज करो डन हाँ तुम तो नाइन फिफ्टी ऐसा अलार्म लगा के रखा होगा अपने फोन के अंदर ऐसा आइडिया लें हाँ नाइन फिफ्टी विल टेक अ ब्रेक टेन ओ क्लॉक शाप वी स्टार्ट टेन टू इलेवन आई सेट टेन मिनट्स मतलब एग्जैक्ट टेन मिनट्स कहीं जाने का ही नहीं का है इधर ही बैठने का मतलब किधर भी जाओगे तो, तो दस मिनट में आओगे नहीं मेरे को मालूम है मैं टेन ओ क्लॉक डॉट स्टार्ट कर देगा इज दैट क्लियर टू यू बाकी तुम्हारा मर्जी थैंक यू दिस वॉज फॉर ई आई एस टूडे ஹலோ हेलो 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 चलो चलो प्लीज सेटल ऑन द बैक फास्ट अतुल डोर बंद कर दे पीछे जल्दी एट द बैक सेटल ऑन फास्ट तुमको मैंने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक नहीं दिया था वो ब्रेक 11 बजे है तुम्हारा नॉर्मल ब्रेकफास्ट ब्रेक कब होता है सही में होता था साढ़े नौ बजे तुम्हारा जीएसटी लेक्चर कब शुरू होता था सात बजे साढ़े सात तो सेवन टू सेवन थर्टी टू नाइन थर्टी नाइन थर्टी जीएसटी ब्रेक मतलब ब्रेकफास्ट ब्रेक फिर अच्छा मेरे को लगा तुम्हारा ब्रेकफास्ट ब्रेक इलेवन ओ क्लॉक है फिर इलेवन ओ क्लॉक क्या करोगे तुम लोग ब्रंच करोगे, फिर क्या थोड़ा रूटीन चेंज करो एक्सपेक्टेशन है तुम ब्रेकफास्ट करके आओ बहुत सारे लोग नहीं पॉसिबल है अच्छा एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट तो करके आओ तो बाकी फिफ्टी परसेंट बेचारा लेके खा लेगा आराम से मतलब करो ना मैनेज कोई ऑप्शन नहीं है वरना सिलेबस मुश्किल हो जाएगा ओके गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू लेट्स कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट ओके एट द बैक आई वांट बिन ड्रॉप साइलेंस नाउ इनफ जल्दी देखो बेटा एक बात सुनो शांति से देखो इतना स्ट्रिक्ट होने के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है कि तुम एक महीने के बाद में इतने स्ट्रेस में ना आऊं दैट जो तुमने डिसीजन लिया था दोनों ग्रुप करने का या वट एवर इट इज वो क्वेश्चनेबल बन जाए देर इज नो अदर लॉजिक इफ वी आर गोइंग टू बी डिसिप्लिन सही में आफ्टर वन मंथ यू एक्चुअली फील कंफर्टेबल तुमको लगेगा हां ठीक था I can actually sail through. I hope you are understanding my point. इसीलिए जब आपको दस मिनट का ब्रेक मिलेगा अगर कोई लेट हो भी जाता है प्लीज मेरा बात समझो तो उछलते उछलते बताओ डोंट डिस्टर्ब एवरी वन एंड प्लीज इसका मतलब ये बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं सबके सभी लेट हो। मैं डॉट टेन शुरू करेगा पर अगर तुमको एक दो मिनट लेट हो गया चुपचाप प्यार से पीछे से एंटर करो आराम से बैठ जाओ किसी को डिस्टर्ब मत करो और अगर आप आगे बैठे हो तो प्लीज थोड़ा इज्जत से पहले आओ वरना तुम एक बार निकलेगा, को पहले बार निकलेगा से। सा, अगर तुम लोग कॉपरेट करोगे तो एक्चुअली में honestly, एक पीछे करने के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपका सही अगर रहेगा आपको समझ में आ गया होगा दैट एक पॉइंट के बाद में ईआईएस ऑडिट एस का सब बहुत ड्राई हो जाएगा अगर हम इसको ब्रेक करके प्रॉपर तरीके से नहीं जाएंगे ना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा प्लीज अंडरस्टैंड दिस थोड़ा मेरे को आपसे सपोर्ट लगेगा तब जाकर के हम इसको सही में परफेक्टली पुल ऑफ कर पाएंगे जैसा हम सोच रहे हैं ठीक है चलो लेट्स गेट स्टार्टेड मैनेजमेंट नाउ लेट गिव यू एन ऑफ हाउ मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी आई में वी आर फाइव चैप्टर्स एंड यू रियलाइज दैट मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर्स आर डिफरेंट वर्ल्ड एस एम में ऐसा नहीं है एस एम के अंदर आठ चैप्टर्स हैं एंड ये आर्ट के आर्ट इंटरकनेक्टेड है मतलब यहां पर लिटरली ऐसा है कि आई कैन नॉट स्टार्ट विद चैप्टर फाइव डायरेक्टली आई कैन नॉट स्टार्ट विद चैप्टर एट डायरेक्टली इट इज नॉट पॉसिबल आई हैव टू फॉलो द सीक्वेंस ऑफ वन टू थ्री फोर बिकॉज यहां पर लिटरली हर एक चैप्टर अगले चैप्टर के लिए थोड़ा बेस बनता है इवन वेन आई गिव यू अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन टूडे आफ्टर एक्सप्लेनिंग यू ऑल इट चैप्टर्स यू विल रियलाइज दैट एक्चुअली में एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही उन्होंने आठ टुकड़ों में डिवाइड करके आपको अलग अलग चैप्टर के फॉर्म में दे दिया है यहाँ पर एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है यहाँ पर आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे यहाँ पर थोड़ा एफर्ट और ज्यादा डालना है वाइल्ड राइटिंग वाइल्ड समराइजिंग यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड्स को परफेक्टली पिक करना बहुत जरूरी होगा बिकॉज यहां पर एक्सपेक्टेशन होगा आप वैसा लिखें तो प्लीज अंडरस्टैंड दोनों सब्जेक्ट जो है अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं एवरी एवरी चैप्टर चैप्टर इज डिफरेंट वेटेज ऑफ मार्क्स इन ऑल एट आर इंटरकनेक्टेड हां यहां पर भी हर चैप्टर का इक्वल वेटेज है अब क्योंकि यहां पे आठ चैप्टर है तो आप मान के चलिए सेवन टू एट मार्क्स के बीच में आपका वेटेज रहेगा हर चैप्टर का वट इज दिसटेजिक मैनेजमेंट एक आपको अच्छा ओवरव्यू देता हूं फिर आपको चैप्टर के नाम भी दिखाऊंगा समझाऊंगा आराम से पूरा फिर हमारा प्रोसेस क्या रहेगा मैकेजमें करूंगा एंड फाइनली वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर वन अभी गुड अबाउट दिस चलो सर आपको अगर याद है तो हमने बी सी के में एक चैप्टर पढ़ा होगा एटलीस्ट नाम तो याद रहेगा नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट अगर आपको याद है तो वहां पर आपके पास में याद है क्या माइक्रो मैक्रो एक पेस्टल एनालिसिस करके कॉन्सेप्ट था याद आया क्या देन यू हैड अ स्वॉट एनालिसिस वो स्वॉट का एक्सटेंशन कुछ तो टोज मेट्रिक्स था मतलब स्ट्रेंथ विद अपॉर्चुनिटी कुछ बन जाता है याद आ रहा है कुछ ऐसा ऐसा मान के चलो पूरा बेस था उसके ऊपर आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बिल्ट है नाउ लेट बी गिव यू अ सिंपल ओवरव्यू एक बात सोचो थिंक अबाउट अ कंपनी कॉल टाटा मोटर्स हाउ डू यू थिंक दे मेक अ स्ट्रेटेजी क्या सोचते होंगे वो गे? मतलब स्ट्रैटेजी वर्ड सुना आप लोगों ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दो पार्ट में डिवाइड कर दो एक वर्ड है स्ट्रैटेजी दूसरा वर्ड है मैनेजमेंट वॉट इज इज व स्ट्रैटेजी इट इज अ प्लान पक्का कंफर्म देखो इन्होंने निबंध लिखा है स्ट्रैटेजी पे सिंपल शब्दों में इट्स अ गेम प्लान और हर बिजनेस को कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने का है यार कोई ना कोई गोल्स रहेगा जो आपको अचीव करने का है वो गोल्स या ऑब्जेक्टिव अचीव करने का तरीका क्या होगा वेन यू मेक अ प्लान टूवर्ड्स दैट कि मतलब सर मेरा कोई तो गोल रहेगा उसे अचीव करने के लिए मुझे एक पाथ बनाना पड़ेगा दैट पाथ वेन आई डिजाइन वेन आई इंप्लीमेंट दैट इज नथिंग बट माई स्ट्रेटेजी आई यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट एंड सर वॉट इज मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजिंग वॉट इज मैनेजमेंट मैनेजमेंट कैन बी टू थिंग्स मैनेजमेंट कैन बी पीपल हु मैनेज मैनेजमेंट कैन बी पीपल हु मैनेज एंड मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी एक प्रोसेस के लिए जो आपने प्लान किया होगा उसके लिए रिसोर्सेस को साथ में लेके आए होंगे रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज किया होगा लोगों को डायरेक्शन दिया होगा समझ लो क्या मेरा बात ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि सर प्लानिंग से लेकर ले के रिसोर्सेस को लेके आना लोगों को समझाना उसे अप्लाई करना और इंश्योर करना अपना गोल्स को अचीव करना वो भी मैनेजमेंट होता है मतलब एक तरीके से कुछ लोगों को पावर दिया जाता है कुछ चीजों को परफॉर्म करने के लिए वो चीज जो हम परफॉर्म करते हैं वो भी मैनेजमेंट है और जो लोग परफॉर्म करते हैं वो लोग भी मैनेजमेंट है सो मैनेजमेंट इज टू वे डू यू गेट माई पॉइंट इट इज पीपल ऑल्सो एंड इट इज पीपल हु एक्चुअली मैनेज आर यू अंडरस्टैंडिंग पॉइंट मतलब लोग भी मैनेजमेंट है और वो लोग जिस चीज को मैनेज कर रहे हैं वो प्रोसेस भी मैनेजमेंट कहलाता है मतलब इन सिंपल टर्म्स यहां पर आपको बताएगा कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजी क्या होती है उन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है कौन सा स्ट्रैटेजी किस कंपनी के लिए कब सही होगा लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो एक्सपेंशन इज राइट फॉर एवरी कंपनी हर कंपनी को एक्सपेंशन करना चाहिए ऐसा लगता है कि आपको आइडियली कैनोट सी दैट मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन करने से पहले कभी कभी हो सकता है अगर ग्लोबल इकोनॉमी का सिचुएशन खराब है मे बी एक्सपेंशन करने के बजाय होल्ड करना चाहिए चीजों को स्टेबलाइज करना चाहिए अरे हा या ना या मान लो आपने अग्रेसिव एक्सपेंशन कर दिया अग्रेसिव एक्सपेंशन करने का पता चला बहुत सारा पैसा का आउटफ्लो हो गया बट आपको जो इनफ्लो एक्सपेक्टेशन उतना नहीं आया क्या ना इसे कुछ चीजों को मुझे कट डाउन भी करना पड़ेगा मतलब लेट्स से एज एयरलाइन मैंने सडनली 50 नए सेक्टर्स में फ्लाइट्स लॉन्च कर दिए पता चला पचास में से दस ऐसे सेक्टर है जहां पर पब्लिक जाता ही नहीं है तो मैं पैसा खर्च क्यों करेगा ना वहां पर अननेसेली समझने के बाद कट डाउन तो करना पड़ेगा ना उसको मुझे तो हमेशा एक्सपेंशन सही स्ट्रेटजी नहीं होता है और हमेशा स्टेबिलिटी भी सही नहीं होता है तो आप समझिए बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रेटजीज क्या होते हैं आपको बताए जाएंगे कौन सा स्ट्रेटजी आपके लिए कब सुटेबल होगा ये आपको बताया जाएगा मतलब दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू इम्प्लीमेंट दी स्ट्रेटेजी में पूरा जो सब्जेक्ट है वो तो इस डायग्राम के राउंड है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिलेबस डोंट बी स्केड बट अकॉर्डिंग टू मी इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू अंडरस्टैंड द क्रक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट द एंटायर सब्जेक्ट तो दो मिनट के लिए ढंग से सुनना सबसे पहले एक वर्ड होता है वेयर आर वी कैन यू सी वर्ड वेयर आर वी नाउ वर्ड है मेरा बड़ा ढंग से सुनना हर एक रनिंग बिजनेस अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन को अपने एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज करेगा कि आज की तारीख में मेरे बिजनेस के अंदर मैं कहां स्टैंड करता है अरे कुछ नहीं स्वॉट एनालिसिस मेरा स्ट्रेंथ क्या है मेरा वीकनेसेस क्या है मेरा करंट मार्केट पोजीशन क्या है अरे ना इसलिए बोला अगर बीसी के ढंग से पढ़ा होगा

आंसर इज ऑलवेज टू बी सब्जेक्टिव बट एक बिजनेस के साथ सोचो सबसे पहला स्टेप वेर आर वी का मतलब करंट सिचुएशन को एनालाइज करना मेरे एग्जिस्टिंग प्रेजेंट पोजीशन को मुझे समझना पड़ेगा मेरे स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेरे लिमिटेशंस या वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज वेर आर वी अपने एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज करो यहां से आप सोचो वेर डू आई वॉन्ट टू बी सिंपल चीज यार एवरी ऑर्गेनाइजेशन एवरी पर्सन लाइक्स टू ड्रीम

अभी तक आसान जिंदगी थी कि भाई डेफिनेशन में था एग्जाम में डेफिनेशन आता था ऑप्शन में विजन था समझ रहे हो क्या मेरा बात अभी चैलेंजेस बढ़ जाएंगे आपके तो आ जाओ सर वेयर आर वी मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशन को एनालाइज किया अब यहां से डिसाइड करेंगे वेयर डू वी वांट टू बी मतलब हम हमारा नेक्स्ट फाइव ईयर का टेन ईयर का गोल्स को डिजाइन करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव को डिजाइन करेंगे उसके बाद मैं सोचूंगा मतलब स्टेप वन वेर आर वी स्टार्टिंग पॉइंट नंबर टू देखो कैन यू सी वेर वी वॉन्ट टू बी कहना इसके लिए थोड़ा सा मेरे को अच्छा ये वेर वी वॉन्ट टू बी इज इट अजी डिसीजन सबसे डिफिकल्ट होगा यार मतलब एक ऐसा इंसान लगेगा या ऐसे सेट ऑफ लोग लगेंगे जो एक्चुअली में विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये एज अ कंपनी पोटेंशियली हम दस साल में कहा जा सकते हैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं टेन ईयर्स बैक यू आस्क अबाउट टाटा ग्रुप गुड बिजनेस सस्टेनेबल बिजनेस बट नो वन थॉट दट देक्चुअली एंटर इन टू लॉर्ड ऑफ E-Commerce Businesses They never thought that actually these people will take of risky bets lenge. Do you get my point? If you look at Tata Entities today Big basket, do on have stake I mean, You name about lot of startups in every industry They are acquiring good amount of stake in every entity Because they see how the future is going to change in next 10 years They are probably the first one to come up with a proper super app

वॉट विल माई एक्चुअल इकोनमी वॉन्ट इन कमिंग टेन ईयर्स वो थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ता है और आप एक्चुअली शॉक हो जाएंगे मेजोरिटी ऑफ पीपल हुआ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस एंड ऑफ मेकिंगली आयरनी जिनके पास पुराना एक्सपीरियंस रहेगा जिन्होंने धंधा कैसे चलता है बीस साल पहले देखा होगा वो सोच रहे दस साल बाद कैसा दिखेगा जबकि हम उल्टा सोचते हैं दीपल इन द हायर एज ग्रुप मे नॉट है ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड हैज In the real world, a lot of people argue about it. I am not here to argue. lot of people argue, but I am trying to say, but if you look at certain businesses, right sort of people were actually able to foresee how things will work. For example, uh, Elon Musk. I don't want to talk much. I don't like him that much as a leader, as a person. Do you get my point? But again, great visionary. That is what you have to give it to him. Because he identified right industries and he knew if he bets on them, it will work. एंड इट इज मतलब अदरवाइज टोयोटा दुनिया भर में इज्जत से सबसे ज्यादा गाड़िया बना रहा था पैसा भी कमा रहा था किसी ने उसको वो वैल्यूएशन नहीं दिया जो टेस्लो को दिया क्या गलती है टोयोटा का एक ही लीडर नहीं था इलोन बस जैसा हु कैन एक्चुअली सेल हिम सेल्फ वू कैन सेल द आइडिया डू यू गेट माई पॉइंट टोयोटा सोल्ड कार्स गुड कार्स रियली गुड कार्स इट डजेंट मैटर

अगला स्टेप क्या होना चाहिए हाउ कैन वी गेट देयर दैट इज द मेन क्वेश्चन हाउ का आंसर इज इक्वल टू डिफरेंट यू नो सी हाउ माइट वी गेट देयर मतलब व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट देयर डू यू गेट माय पॉइंट इसके लिए मेरे को पहले बहुत सारे ऑप्शन निकालने पड़ेंगे पांच अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकती है पांचों को मुझे इवेल्युएट करना पड़ेगा फिर डिसाइड करूंगा मेरे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है तो पहला वाला वेयर आर वी नंबर टू वेर वी वॉन्ट टू बी तीसरा चीज हाउ केन आई रीच देर सो आई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट स्ट्रेटीज यहां पर आपके कुछ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज आएंगे कुछ बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज आएंगे कुछ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज आएंगे वो क्या होते हैं उनको डिस्कस करने आपका सिलेबस जो ना इन सब पांचों पॉइंट्स के अराउंड है सर ये सारे स्ट्रेटेजी ढूंढने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा उन्हें इवेल्युएट करना पड़ेगा सी वे इज यही चीज आपके सिलेबस में सबसे कम है आपके सिलेबस में ये है ये है स्टेटजीज पे निबंध है बहुत है मतलब आधा सिलेबस ही स्टेज नंबर थ्री पे है इधर ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है ऑलमोस्ट लिटरली बता रहा मजाक नहीं कर रहा एंड एक्चुअल मैनेजमेंट शुड बी ओनली दिस ये मेरे को देने के लिए बहुत लोग हैं ये मैं आज शायद इतना बेटर तरीके से डिसाइड नहीं कर पाऊंगा इसके लिए मेरे पास में मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है मेरा करंट सिचुएशन क्या है आई हैव अ टूल फॉर वन आई हैव अ टूल फॉर स्टेज थ्री जो ह्यूमन ब्रेन का रिक्वायरमेंट है वो इधर है समझ रहे हो क्या मेरा बात उन्होंने इवेल्यूएशन का मैकेनिज्म ही नहीं दिया है कुछ दो चार मॉडल दे दी है एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जाम में एक सिचुएशन देगा दिमाग लगाना पांच स्ट्रैटीज एक्सप्लेन है बताया है इस सिचुएशन में ये स्ट्रेटी सही है वो एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा ये सिचुएशन को उसमें क्वेश्चन में प्यार से सेम वर्ड उठा के डाल देगा मुझे ढूंढना पड़ेगा पांच में से कौन सा स्ट्रेटी में ये पॉइंट मैच होता है डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड मतलब मॉड्यूल में जो पांचों को एक्सप्लेन किया है ना उसका लैंग्वेज एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में बस सेम लैंग्वेज उठा के डाल देगा तुझे आइडेंटिफाई मतलब, करना है ये वर्ड कौन से स्ट्रेटेजी से मैच होता है जिधर मैच होता है उधर निबंध दिखने गए दिस इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन नंबर वन इन एस

बट इससे कुछ अचीव नहीं होगा अचीव कब होगा जब तुम जिंदगी में आगे जाकर के ये करते हो समझ रहे हो मेरा बार बट मेरा फर्ज बनता है तुमको पूरा साइकिल समझाने का सबसे पहले वेर आर वी सिचुएशन एनालिसिस करेंगे किधर जाने का कि जाने उसके लिए विजन मिशन बनाएंगे कैसे जा सकते हैं वहां तक अलग अलग स्ट्रैटेजीज को समझेंगे उन्हें इवेल्युएट करके बेस्ट स्ट्रेटेजी को ढूंढेंगे स्टेप फाइव क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन होना बोला हो जाएगा हो जाएगा क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा इंप्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने लिटरली बोला है हर स्ट्रेटेजी को अल्टीमेटली डिजाइन करने के बाद लीडर्स को बोल दो वो अप्लाई कर देंगे समझ रहे मेरे बात और लीडर्स कैसे टाइप के होते हैं बताया उन्होंने हाँ हाँ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ट्रांजेक्शन लीडर और बहुत बायस्ट तरीके से लिखा भी है बायस तरीके से समझ रहे हो मेरे बात हाँ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन दो टाइप का लीडरशिप स्टाइल भी आएगा हर वर्ड है इधर समझ लो क्या मेरे बात बट कितना है क्या है वो सब्जेक्टिव है चलो तुमने इंप्लीमेंट किया इंप्लीमेंट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर फाइव क्या है हाउ कैन वी इंश्योर मतलब क्या है इसका जो तुमने सोचा था क्या तुम वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे दिस इज इंपॉर्टेंट है ढंग से लिखा भी है मतलब इवेल्युएट करो कि जो जो आपने स्ट्रेटेजाइज किया है जिस तरीके से आपने प्लान किया था जब उसको इंप्लीमेंट किया क्या आपने वो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव किया या नहीं किया फॉर एग्जाम्पल टूडे यू आर सिटिंग एट रेवेन्यू ऑफ वन बिलियन डॉलर यू आर प्लानिंग नेक्स्ट फाइव ईयर्स आई वुड गो फ्रॉम वन टू टेन और टेन डायरेक्टली सडनली एक रात में तो होगा नहीं पांच साल का प्लान है तो आपको ईयरली प्लान बनाना पड़ेगा हर ईयर में भी क्वार्टरली रेवेन्यू आपको एस्टिमेशन रखना पड़ेगा या आपको क्वार्टरली ट्रैक करना पड़ेगा तब पता चलेगा हम सही डायरेक्शन में है कि नहीं है यार बजटरी प्रोसीजर्स बजट है तुमको कॉस्टिंग में एफ में भी आएगा आगे एफ में भी बजट आएगा बजट पीछे नहीं छोड़ेगा एस में भी बजट आएगा बस यहां डेफिनेशन आएगा लिमिटेशन आएगा डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट बट अभी के लिए थोड़ा पांच स्टेप समझ में आया क्या अभी बात सुनो हाउ योर ऑल एट चैप्टर्स आर कनेक्टेड टू दिस आई नो कुछ लोग के लिए चैलेंजिंग हो रहा होगा कि मैं क्यों बता रहा हूं प्लीज समझो अगर ये एक्चुअली में चैप्टर का सीक्वेंस समझाना तो चैप्टर में वो क्यों पढ़ रहा है थोड़ा समझ में आएगा वरना तो ऐसा लगेगा आज विजन है विजन पढ़ना है कल मिशन है मिशन पढ़ना है ट्रस्ट में विजन मिशन पढ़ाया नहीं जाता आई होप योर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट That cannot be taught. Remember that. And they don't even mean that. They ask someone to write it, and I'm telling you directly. That is a fact. The one who is running the business will not sit and write the vision. We'll just maybe talk about it, that OK, this is what I want to achieve. Someone will write that in a very beautiful words. Sounds good, no? I'll show you examples also, don't worry. अभी के लिए आठ के आठ चैप्टर का आपको एक सीक्वेंस दिखाता हूं अच्छा अंडरस्टैंडिंग देता हूं फिर हम चैप्टर वन से शुरू करेंगे ये पांचों पॉइंट थोड़ा समझना है आपको प्रोसेस क्या होता है यही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है मतलब किधर है किधर जाने का है स्ट्रैटेजी को ढूंढने का है उसको अप्लाई करने का है और देखने का है ढंग से अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ चलो बस खत्म इधर मैं सबसे पहला चैप्टर आपका फेवरेट बन जाएगा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी क्या होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है उसके एडवांटेजेस क्या है, है समझो मेरा बात आई डी काम का चीज आई गिव्यू फाइव क्वेश्चन उधर से ही आएगा इधर भी तुमको पीडीएफ टेंशन बतलो परफेक्ट क्योंकि मेरे को मालूम है उधर से और बाई द वे ये अभी तक वही है जब मैं स्टूडेंट था देर इज नो चेंज दे जस्ट थोड़ा बहुत एक चैप्टर का इधर से निकाल के एक, पहले मेरे टाइम में सात चैप्टर हुआ करते थे अभी आठ है एक दो चीज निकाल दिया एक दो चीज नया लेके आ गया बाकी ओवरऑल सब सेम है एग्जाम्पल चेंज हुए हैं आपको समझ में आएंगे रेवोल्यूशनरी एग्जाम्पल्स आए नंबर टू Can you see your word, of जाएगा, TOS जाएगा। मतलब हम किधर है ये इवेल्युएट करने का तरीका बताया जाएगा योर एग्जिस्टिंग पोजिशन को एनालाइज करने का तरीका आपको चैप्टर टू में बताएंगे चैप्टर थ्री वर्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ये आपका स्टेप टू है क्योंकि इस चैप्टर में आएगा आपका विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मतलब यहां से हम कहा जाना चाहते हैं वो पूरा का पूरा कंटेंट चैप्टर नंबर थ्री के अंदर है कैन यू सी 4 5 6 कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बिजनेस स्ट्रेटजी फंक्शनल स्ट्रेटजी चैप्टर थ्री कौन-कौन से मेरे पास स्ट्रेटजी के ऑप्शंस हैं देन नेक्स्ट कैन यू सी वर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटजिक लीडरशिप मतलब हमने जो स्ट्रेटजी बनाए अभी लीडर लगेगा उसको अप्लाई करने के लिए समझ रहेगा मेरा बात तो थोड़ा लीडरशिप के बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे सुना है क्या टॉप लेवल मिडिल लेवल लेवल उसे भूल जाना उसके अलावा और दस अलग अलग स्ट्रक्चर आएंगे मतलब हर अलग अलग इंडस्ट्रीज में कुछ अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव क्या वर्ड कॉर्पोरेट ऑफिस मतलब आपका हेड ऑफिस जहां पर आपका कॉर्पोरेट साहब बैठता है फिर आपके अलग अलग बिजनेसेस रहेंगे फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स के अंदर अपना ईवी सेगमेंट अलग है कमर्शियल व्हीकल्स अलग रहेगा अलग अलग सेगमेंट है ना यार रन करने के लिए अलग अलग बिजनेस पर्सन का इंचार्ज रहेगा तो अलग अलग बिजनेस का अलग अलग लेयर्स बनेगा सब एक्सप्लेन करेंगे आपको सिर्फ बता रहा हूं कि नॉर्मली आपके टाइप्स ऑफ लीडर्स एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होते हैं उनका ओवरव्यू चैप्टर नंबर सेवन में मिलेगा सी चैप्टर नंबर इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल मतलब जो स्ट्रैटेजी उसको इंप्लीमेंट करना है और यही बस इंप्लीमेंटेशन बस उतने लिखे कैसे नहीं कंट्रोल ये बताया है।

ज गोइंग टू बी योर एंटायर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओवरव्यू क्लियर है क्या पक्का मतलब वॉट आर वी गेटिंग इन टू ये पहले क्लियर होना चाहिए ऑनेस्टली लैंग्वेज बहुत ईजी है यहां कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे मजा भी आएगा कुछ कुछ चैप्टर बहुत अच्छे हैं पहला चैप्टर बोरिंग सेकंड ऑनवर्ड मजा आएगा इस सब्जेक्ट के अंदर क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी सुनने के लिए मिलेगी जो आपको पता नहीं होगी एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू डिस्कस लोड ऑफ डिफरेंट एक्साम्पल्स विच आर नॉट देर इन द मॉड्यूल कैन यू गेट स्टार्ट इन योर मॉड्यूल्स नेक्स्ट साइडिंग चलो अरे ई आई का बुक है ना तुम्हारे पास में उसमें काम करो ना पचास पेजेस छोड़ दो आगे मैनेजमेंट पचास नहीं कितने तुम्हारे दो सौ पेज का है ई आई एस में एक्चुअली ज्यादा लगेगा ऑलमोस्ट मे बी तुम्हारा बुक भर भी जाएगा यू विल नीड सेकंड बुक ऑल्सो तुम्हारे पास एस के लिए अलग बुक है क्या है hey, क्या करोगे क्या मैनेजर साहब ये भरोसा नहीं बाद में बोलो पचास पेज रह गया में मेरे को तो कंटेंट इन ई आई एस इज एब्सुलूटली मोर इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बट अगर आपके पास में सौ पेज के बाद में जगह है तो आप एस एम बना सकते हो वरना एस एम का अलग बुक बना सकते हो यू डिसाइड पड़ोसी से डिस्कशन का जरूरत नहीं है यू डिसाइड नहीं है बुक पीछे से शुरू करें ऐसा बोले तुम पता चले किसी ने ई आई एस ऑलरेडी पीछे से शुरू किया हुआ है क्या तुम्हारे तो पास तुम फिगर आउट करो बट वी विल नीड अ नोटबुक अब इसे में तुम मैनेज करो तुम्हारे हिसाब से अलग तुम्हारे हिसाब से दैट इज योर चॉइस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू एस एम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू एस एम इंट्रोडक्शन टू एस एम इंट्रोडक्शन टू एस एम ऑल दे सबसे पहले टू वर्ड्स वॉट इज स्ट्रैटेजी एंड व्हाट इज मैनेजमेंट पहले इन दोनों वर्ड्स को इंडिपेंडेंटली डिस्कस करेंगे देखो आपको एक ऑनेस्ट बात बोलता हूं अप टू सम एक्सटेंट अगर आप में से किसी को पोस्ट क्वालिफिकेशन मास्टर्स करने के लिए जाना है इज एनी इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर एन एमबीए पोस्ट क्वालिफिकेशन वाओ नॉट बैड वेरी गुड डू नो टॉप बिजनेस स्कूल्स इन इंडिया टॉप बी स्कूल्स इन इंडिया आई एम ए बी सी देन यू हैव आई एस बी हैदराबाद एंड मोहाली मालूम है कि नहीं मालूम हैदर एक्चुअली में आई एस बी इज वन ऑफ दोज टॉप बी स्कूल्स जहाँ पे बिना एक्सपीरियंस के वो लोग आपको नहीं लेते हैं आपको मिनिमम टू ईयर्स का वर्क एक चाहिए होता है कंपेरेटिवली एंड आई एस बी जो कॉन्सेप्ट है एम बी ए का उन्होंने बोरो किया है ग्लोबल एम बी ए प्रोग्राम से हालांकि इंडिया में इट जस्ट अ वन ईयर प्रोग्राम आइडियली सिंपल शब्दों में बताऊँ क्या कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं बहुत बड़े दुनिया के पी सी जी मैकेजी

एक साल ट्रेन करो तुम ही हमको लोग दे दो समझा क्या मेरा बात उनका गया हायरिंग वहीं से होता है मेजोरिटी हायरिंग यस दे विल गो टू बट आई एस बी इज फेमस फॉर कंसल्टिंग मतलब मेजोरिटी कंसल्टिंग का हायरिंग वहीं से खत्म हो जाता है तो एक तरीके से वो पूरा प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप कंसल्टिंग के लिए सही इंसान बन जाओ एंड अगर आपको कैरिकुलम अगर देखना होगा एल शेयर ऑल्सो सर्टन क्लिम्स विथ यू इन जनरल आपको जो पढ़ाया जाएगा वो एकदम बेसिक लेवल का रहेगा पर इसी के ऊपर वो बिल्ट रहेगा हाँ वहां भी एफ एम आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहां भी आपका थोड़ा बहुत अकाउंटिंग वाला एस्पेक्ट आता है मतलब बट वो जो आपको में पढ़ाया जा रहा है वो बहुत डिटेल में कंपेरेटिवलीयर दे विल टीच यू मोर अबाउट नेटवर्किंग मोर अबाउट प्रेजेंटेशन यू गेट मे मोर अबाउट हाउ टू यू नो मे बी प्रेजेंट द सेम कॉन्टेंट इन अ डिफरेंट मैनर दट इज वॉट इज रियली टॉट अबाउट मतलब बेसिकली आपको नेटवर्किंग स्किल्स के थ्रू ये सिखाया जाएगा कि आपको सही में रिक्रूटमेंट कैसे अचीव करना है आपको आगे नेक्स्ट लेडर पे कैसे जाने का आइडियली, ली दैट काइंड ऑफ स्किल सेट योर लीडरशिप क्वालिटीज विल गेट एक्चुअली इंपैक्टेड थ्रू दट वो चीजें उनको आपके अंदर इंटीग्रेट करनी होती है इस हिसाब से प्रोग्राम बनाया जाता है और जो कैरिकुलम में बहुत सारी चीज सिखाते हैं आपको आपको यहां से मिलेगा तो थोड़ा सा समझना मैं अगर आपको लिखवा रहा हूँ उसके भी ऑब्जेक्टिव है पास करवा दूँ जो तो डिस्कशन कर रहा हूँ उसके भी ऑब्जेक्टिव है थोड़ा अवेयर कर

बॉटम लाइन थोड़ा सा दोनों का मिक्सर होना चाहिए तो इसीलिए मैं अगर आपको लिखवा रहा हूं प्लीज उसको ऐसा मत सोचना ये ऐसा चीज है सर क्यों लिखने का जरूरत है इट्स ऑलरेडी देयर बट दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर व्हाट आई राइट व्हाट आई नीड टू राइट राइट इन द एग्जामिनेशन डाउन चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू एस एम कॉन्सेप्टन मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एस एम चैप्टर नंबर वन उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अब सुनो मैनेजमेंट आई एक्सप्लेन यू देर आर टू मीनिंग्स टूवर्ड्स इट एक होता है जो लोग एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो लोग भी मैनेजमेंट कहलाते हैं एंड जो प्रोसेस है वो भी मैनेजमेंट कहलाता है तो पहले वो प्रोसेस क्या वो समझते हैं आपको शायद ओसीएम सीएम वगैरह में कहीं तो ये वर्ड्स पढ़ाए होंगे कुछ याद आया क्या ऐसा कुछ कुछ याद आया ऐसा पक्का सो देर आर सर्टेन फंक्शन विच आर परफॉर्मड बाई पीपल दीज फंक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट एंड द पर्सन हु परफॉर्म्स दीज फंक्शन दो सेट ऑफ पीपल आर ऑल्सो कॉल्ड एज समझ में आया क्या अब याद आ गया आपको पक्का से इमीडिएटली पक्का चलो Meaning of management under that write down number A. Under that write down number A. Planning Organizing Planning Organizing Directing Planning Organizing Directing Comma Staffing Staffing and Controlling. एंड कंट्रोलिंग डैश करके लिखो दीज फंक्शंस स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग डैश करके लिखो दीज फंक्शंस आर एसेंशियल दीज फंक्शंस आर एसेंशियल टू अचीव टू अचीव अ डिजायर्ड बिजनेस ऑब्जेक्टिव टू अचीव डिजायर्ड बिजनेस ऑब्जेक्टिव स्टॉप कंटिन्यू कैरिंग आउट दीज फंक्शन्स कैरिंग आउट दीज फंक्शन्स इज टर्म्ड एज मैनेजमेंट कैरिंग आउट दीज फंक्शन्स इज टर्म्ड एज मैनेजमेंट carrying out these functions is termed as management and number b point number b the people point number b the people who are responsible number b the people who are responsible to perform above functions the people who are responsible to perform above functions आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट मतलब सिंपल है यार आपके कोई भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यू विल नीड अ प्लान यू विल नीड रिसोर्सेस यू नीड टू ऑर्गेनाइज दीज रिसोर्सेस यू विल नीड पीपल जिनको ये डायरेक्शन देना पड़ेगा राइट सेट ऑफ पीपल को हायरिंग करना पड़ेगा उन्हें डायरेक्शन देना पड़ेगा उन लोगों से काम एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा और फिर ये कंट्रोल भी करना पड़ेगा कि हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये सारे फंक्शन सारे एक्टिविटीज कलेक्टिवली मैनेजमेंट कहलाता है एंड जो पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी क्या कहलाता है मैनेजमेंट पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो भी लिखा है उसका क्रक्स ये है ये आपको पता होना चाहिए इज दिस क्लियर टू यू पक्का नेक्स्ट हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी इधर मजा आएगा देखो बहुत कम लिखा है उन्होंने कल कंप्लीट नहीं हुआ आगे कंटिन्यूड है बस फिर दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझ रहे हो मेरा बात कम टू स्ट्रैटेजी ये आसान चीज है यार देखो आपने डेफिनेशन पढ़ा है उन्होंने सेम डेफिनेशन को पांच अलग अलग तरीके से लिखा है समझ में सबको आ जाएगा अब एग्जाम में कितना लिखने का मैं तुमको बता दूंगा समझ रहे हो बाकी स्ट्रेस लेने का ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट दिखे ना जहां बहुत लिखा है फर्स्ट स्टेप समझ लेने का उसको आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू शुड नो रियली वेल आउट ऑफ ऑल दिस वॉट आई नीड टू नो वॉट आई नीड टू राइट इफ आई नो दिस मच इट्स ओके लेट राइट मोर आई होप अंडरस्टैंडिंग दिस गेम प्लान प्लान बेसिकली ऑफ़ एक्शन है जो आप सोचते हो अगर मैं यहां यहां से मुझे मेरे जो अचीव करने हैं अचीव करने के लिए मेरा पाथ क्या होना चाहिए वो जो प्लान है मेरे लिए बस, But, कैसे? हूं. Strategy, अभी देखो सेम चीज को आप कैसे अलग अलग टर्म्स के अंदर घुमा फिरा के लिख सकते हो स्ट्रैटी इज अ गेम प्लानजी इज अ गेम प्लान strategy is a game plan which management uses game plan which management uses to achieve certain business objectives to achieve certain business objectives such as to achieve certain business objectives such as improving such as improving your market position improving your market position comma conducting improving your market position comma conducting your business operations conducting your business operations effectively conducting your business operations effectively comma attracting and satisfying new set of customers attracting and satisfying new set of customers etc ट्रैक्टिंग एंड सैटिस्फाइंग न्यू सेट ऑफ कस्टमर्स एटसेक्ट्रा उसने सिंपल बात बोलनी थी एक ऐसा गेम प्लान जिससे तुम तुम्हारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे बस वो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं ये उसके एग्जाम्पल्स है अब देखो जब वो खुद डेफिनेशन लिख रहे हैं ना एक काम करो ना पॉइंट नंबर बी पढ़ो ना और बता नहीं रहे कि ऊपर एग्जाम्पल्स है पढ़ो ना एक बार खुद से मार्केट पोजिशन इंप्रूव करना है बिजनेस बेटर तरीके से रन करने का है कस्टमर्स को नया आइडेंटिफाई करके उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करने का है कंपीट सक्सेसफुली ये तो पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आउटकम आएगा आगे वेन आई विल टॉक अबाउट दिस अल्टीमेटली एंड अचीव और ये ऊपर वाले क्या थे सब ऑब्जेक्टिव होर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू राइड इन डिफरेंट मैनर ऑलवेज रिमेंबर दैट बट यहां पे जो मीनिंग है जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहने वाला है दैट डज नॉट चेंज ऑल द टाइम इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू अच्छा एक बात बताओ क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट ऐसा बोल सकता है

है मार्केट शेयर नहीं है, है क्यों नहीं आ रहा फिर Strategy नहीं है अच्छा नहीं तुमने सही सोचा उन्होंने सोचा नहीं है तुमको लगता है मारुति ने नहीं, नहीं सोचा होगा या सोच रहा होगा सोच रहा होगा या उसको लग रहा होगा डाड़, जो डाटा मोटर्स कर रहा है वो सही नहीं है वो भी तो हो सकता है ना क्यों नहीं हो सकता तुम कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते हो कि सामने वाला का अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा नहीं होगा हाउ कैन यू से टाटा मोटर्स इज थिंक बेटर मारुति बट इफ यू आस्क्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू मारुतिबल एंड टाटा मोटर्स इज नॉट येटा टाटा मोटर्स का अगर रेवेन्यू देखोगे दे स्टिल ऑन ग्लोबल रेवेन्यू यार इंडियन रेवेन्यू तो कुछ टाटा मोटर्स का ओवरऑल रेवेन्यू बहुत बड़ा है देखेंगे बहुत बड़ा रेवेन्यू है बट स्टिल इंडियन रेवेन्यू तो बहुत कम है अभी भी मारुति आज भी प्रॉफिटेबल है सस्टेनेबल है एकदम

जो फिलहाल मेरा करंट प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोडक्ट को मेरे को सबसे ज्यादा बेच करके अपना पैसा निकालने का है। जब टाइम आएगा के लिए मुश्किल होगा उसने प्रोडक्ट बना करके बेचा तो वो सबसे प्राइस में बेचेगा पक्का तुमको लिख के भी बोलता हूँ अच्छा होगा नहीं होगा तुमको बता रहा हूं कि हर बिजनेस अलग तरीके से सोचता है

We nahi bol sakte yaar hum thoda theoretical cheeze पढ़ rahe कहीं कहीं आपको लगेगा कि यार ये कंपनी गलत है ऐसा नहीं होता है हर कंपनी का अपना काम करने का तरीका होता है और इसीलिए जितना एक कंपनी के बिजनेस के बारे में पढ़ोगे उतना तो बोला गया नहीं यार ये जो कर रहा है ना शायद कुछ और सोच रहा होगा जो अपने को समझा भी नहीं होगा और सच्ची बता रहे ऐसे बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस नाम ही नहीं पता अपने को। ऐसे अभी, अभी मेजोरिटी लोग एनबीएफसी के बारे में क्या सोचते हैं बजाज फाइनेंस बात खत्म एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड फ्रॉम ओनली टॉक बजाज फाइनेंस और वो ब्रिलियंट बिजनेस है उसने जो पैसा कमा करके दिया है लास्ट दस साल में लोगों को दिस नो क्वेश्चन बेटर कुछ हो सकता है और मैनेजमेंट भी ब्रिलियंट है हर चीज बढ़िया है और अगर तुम फाइव स्टार को देखोगे वो भी खराब नहीं है यार वो भी अपने हिसाब से ब्रिलियंट काम कर रहे हैं और मे बी यू यू नेवर नो ऑफ द द लाइन हाउ सिचुएशन विल बी डिस्क्लेमर आई एम नॉट आस्किंग टू डू समझ यूर मैं सिर्फ थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा हूं आपके साथ में एंड यू नेवर नो मे बी दैट मे बी वो सिर्फ साउथ इंडिया के लिए अच्छा था उनका जो ओरिजिनल फोकस एरिया है वो साउथ इंडिया का था मे बी शायद वो नॉर्थ इंडिया में सर्वाइव नहीं करेगा अगेन सब्जेक्टिव चीज है बहुत डिफिकल्ट होगा बोलना क्यों नहीं किया होगा इसका आंसर वही इंसान दे सकता है जिसने डिसीजन लिया है और वो कभी भी बताएगा नहीं क्यों नहीं किया है रिमेंबर दैट आई होप अंडरस्टैंडिंग दिस एनी वेज पॉइंट नंबर वन डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी क्लियर है क्या देखो पॉइंट नंबर टू उसके नीचे अब स्ट्रैटेजी के ऊपर अपने को निबंध लिखना पड़ेगा ना यार पॉइंट नंबर टू अ बिजनेस स्ट्रैटेजी अ बिजनेस स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट a business strategy can never be perfect comma flawless perfect comma flawless and optimal and optimal flawless and optimal देखो परफेक्ट मतलब ये ऑलमोस्ट तीनों वर्ड्स का मतलब सेम ही है इफ यू आस्क मी मतलब बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं हो सकता है फ्लॉलेस मतलब कोई लूपॉल्स नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है ऑप्टिमल मतलब बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी अगेन सेम ही मतलब है लाइन उसको क्या बोलने का है हर स्ट्रेटेजी बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं होता बात खत्म क्लियर एक पॉइंट और मेरा स्ट्रैटेजी अरे लिखो मत सुनो पहले सुनो समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा अच्छा डे वन पे ऐसा भी लगेगा कुछ लोग का स्पीड स्लो रहेगा अगर तुम लिखाते वक्त ज्यादा बोलते तेज तुम्हारा स्पीड बढ़ना चाहिए पेपर खत्म नहीं होगा वर्न मैं बता रहा तुम जिस स्पीड से लिखते हो ना धीरे 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 मैं ऐसे बहुत सारे लोग देख रहा हूँ वो हर एक वर्ड दिखता बाजू वाले बुक में देखता है फिर एक वर्ड है फिर बाजू वाले बुक में देखता है ऐसा पेपर नहीं लिखा जाएगा तुमको अभी सही में बी लिखने का आदत रहेगा इधर सोच समझ के लिखने में बहुत टाइम लगेगा तकलीफ एडवांस अकाउंट्स एफएम कंप्लीट करने में नहीं होती है तकलीफ यह ऑडिट खत्म करने में होती है क्योंकि पता ही नहीं लिखना क्या है समझ समझो ना मेरे बात हर वर्ड सोच समझ के लिखना पड़ता है कुछ रैंडम लिख नहीं सकते हो उसका नंबर नहीं मिलेगा जिंदगी में समझ रहे हो मेरा बात थोड़ा स्पीड पिक करने का एक बात बताऊं तुम्हारा स्ट्रैटेजी ब्रिलियंट है इफ यू डोंट हैव राइट मैनेजमेंट विल इट वर्क अगेन रिमेंबर बोथ थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट राइट स्ट्रैटेजी भी चाहिए एंड परफेक्टली मैनेजमेंट भी होना चाहिए दोनों चीज इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट नंबर थ्री स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट नो सब्स्टिट्यूट फॉर Sound, no substitute for sound alert and responsible management. No substitute for sound alert and responsible management. That means continue growth, that means both strategy planning,

इम्प्लीमेंटेशन चैप्टर नंबर एट में बस इस सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें इंटर कनेक्टेड है इसलिए कुछ अगर एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं उसके पीछे लॉजिक रहेगा वो आगे कहीं ना कहीं कनेक्ट होने वाला है और जब खुद से पढ़ोगे तो वो बेटर समझ में आएगा इसीलिए सही चीजें अपन पिक करके लिखते जा रहे हैं क्या आपको मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी क्लियर है क्या पक्का एनी डाउट टू एनी इन दिस गिविंग यू टू मिनट्स फटाफट से जो मैनेजमेंट लिखा है जो स्ट्रैटेजी लिखा है पढ़ लो फटाफट से एक बार स्पेंड टू मिनट्स क्विकली इफ यू अंडरस्टैंड वी आर गुड Done? One more point. Write down point number four. Three points, na? Point number four. Strategy is a long-range blueprint. Strategy is a long-range blueprint, long-range blueprint of entities' desired image, long-range blueprint of entities' desired image comma direction entities desired image comma direction and and destination direction and destination that is that is what it wants to be that is what it wants to be, comma, what it wants to do, what it wants to be, comma, what it wants to do, and where it wants to go, what it wants to be, comma, what it wants to do, and where it wants to go. वो जो सेंटेंस लिखते हैं उसी को फिर से अलग शब्दों में लिखते हैं देखो क्या लिखा है लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट हैिंट बेसिकली कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करने का उसके पहले आप नक्शा बनाते हैं ना यार इट्स मोर लाइक अ स्केच सो बेसिकली एक आपके पास में रफ स्केच रहेगा बट सर दिस लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजी जनरली आर नेवर शॉर्ट टर्म इन नेचर मतलब फॉर एग्जाम्पल वेन यू मेकिंग अ इंपॉर्टेंट डिसीजन कि फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा इयर्स बैक

डिसीजन so, हो सकता है वो गलत जाए सही जाए बट आप वो शॉर्ट टर्म लिए नहीं सोचते हो उसने वो सोचा कि मे बी आने वाले दस साल में वेबसाइट से लैपटॉप पे बहुत कम लोग परचेस करेंगे मेजोरिटी लोग मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू परचेस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट सीमलेस एक्सपीरियंस आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट दट इज मेक यू डिसीजन मिंत्रा ने सेम चीज किया पहले पता क्या बोला स्टार्टिंग में वेन यू सू बाय प्रोडक्ट फॉर मिंत्रा दिल नॉट गिव यू रिफंड पैसा तुम्हारे वॉलेट में चले जाएगा यू कैन यूज दैट मनी टू बाई सम एल्स ओरिजिनल थार इन इंडिया अरे ऊबर कैश एक्सेप्ट नहीं करता था जब इंडिया में आया उबर सिर्फ क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करता था डेबिट कार्ड भी नहीं क्योंकि वो यूएस कंपनी है उधर हर कोई क्रेडिट कार्ड यूज करता है इवन अ स्टूडेंट और जब वो इंडिया में आया हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड थे इशूड इन इंडिया कोई नंबर नहीं देखा उसने बाद में समझ में आया गलती हो गया डेबिट कार्ड तो अलाउ करना पड़ेगा एंड ओला पिक वाई कैश मतलब आज तो चलो बात अलग है आज के आई एम टॉकू थाउजेंड ट्वेल्व थर्टीन क्या कॉन्फिडेंस है कि कैब वाला आएगा और क्या कॉन्फिडेंस है आज भी डरे बट तब तो बहुत डरता था सिवियरली कि मैं वहां तक जो डेस्टिनेशन है वहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा इफ आई पुट माई कार्ड अरे आई एम नॉट किडिंग इन ट्वेंटी

तो लोगों को डर लगेगा मैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन कोई मोबाइल एप्लीकेशन पे कैसे डाल दूंगा आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट सो यू यू आर डूइंग बिजनेस टू थिंक अबाउट इट कि मैं जिस कंट्री में एंटर कर रहा है वहां पर कैश लेना ही पड़ेगा मेरे को वो कैश क्यों नहीं एक्सेप्ट करता क्योंकि जिस कंट्री में उसका बिजनेस है वहां कैश चलता ही नहीं है मतलब आपको यूएस के अंदर बहुत कॉमन ऐसा दिखेगा ही नहीं कि आप ऊपर से उतर हो भैया कितना हो गया मैं मजाक नहीं कर रहा है, ऐसा है मतलब राधर आप उतरने का बात ही नहीं करते हो यार यू यू गेट डाउन एंड गेट आउट दैट्स इट

पांच साल के बाद दस साल के बाद आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन कैसा इमेज बिल्ड करना चाहते हो आप कौन सा मार्केट में पोजीशन होल्ड करना चाहते हो किस तरीके का बिजनेस रन करना चाहते हो ये अचीव करने का जब मैं प्लान ऑफ एक्शन बनाऊंगा दैट इज नथिंग बट माय स्ट्रैटेजी इट्स अनदर वे ऑफ राइटिंग इट डाउन एक बार डेफिनेशन शांति से पढ़ो वो भी डेफिनेशन है लॉन्ग रेंज ब्लू ऑफ एंटिटीज डिजायर्ड किस तरीके का रेपुटेशन बनाना चाहता हूं किस डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूं क्या डेस्टिनेशन को अचीव करना चाहता हूं मतलब इन सिंपल टर्म्स मैं यहां से कहा जाना चाहता हूं वेर आई वॉन्ट टू बी डू यू गेट माई पॉइंट वॉट आई वॉन्ट टू डू एज अ बिजनेस वॉट आई वॉन्ट पीपल टू थिंक अबाउट माई बिजनेस जब आप इसके बारे में एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटी थोड़ा मीनिंग ऑफ स्ट्रैटी समझा क्या पक्का देखो आज मेन ऑब्जेक्टिव जो था ना आपको एक पहले एक समझ जाए कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मैकेनिज्म क्या है फिर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है एंड मैनेजमेंट मेरे हिसाब से ट्रू सेंस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कल स्टार्ट होगा विल एक्चुअली डिस्कस इन डिटेल इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड देन यूल रियलाइज ये जो मैंने आपको बोला था ना ये क्या था डायग्राम जो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस यूल रियलाइज पूरा एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो है इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है गुड दैट्स ऑल फॉर टूडे टू थ्री इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिफोर वी क्लोज दिस लेक्चर वापस से बोल रहा हूँ एट थर्टी का स्लॉट है ऑब्जेक्टिव ये है तब तक तुम आराम से शो करके नींद खत्म करके टाइम पर पहुँचो एंड इट विल रिमेन एट थर्टी आई मीन इट अनलेस आई रीच अ लेवल वेयर देर आर लास्ट फाइव सेवन डेज आई एम क्लियर डेलिंग यू वेयर इट इज नॉट पॉसिबल देन ओनली इट विल चेंज मतलब एट थर्टी का आर्ट हो जाएगा लास्ट पांच सात दिन आई मीन दैट उसके पहले इट वॉन्ट चेंज इट विल स्टार्ट फ्रॉम एट थर्टी ओनली यू गेट माई पॉइंट इफ यू आर गोइंग टू बी सिंसियर तुम सही में रात को अगर दो बजे सो गए तुम्हारा ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा मैं बहुत पढ़ाई करता सर आपको आपकी पढ़ाई होता सर ठीक है आई अंडरस्टैंड मेरे साथ बेसिक एक्सक्यूजेस थे प्रॉब्लम क्या है सुबह मेरे को साढ़े आठ क्लास नहीं था मेरे को आके सोने का इधर तो कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज

दूसरा चीज पहले ही बोल देता हूं मैं गाना गा नहीं सकता <laughs> मैं डांस कर नहीं सकता मेरे को पूछना मत डे वन पे बोल देता हूं पूछना मत मेरे को नहीं हो सकता मेरे से मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है ठीक है हाँ आई हैव डीसेंट सेट ऑफ यू नो अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जहां मेरे को लगेगा एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा ड्राई हो रहा है कुछ इस कॉन्सेप्ट रिलेटेड आपको अच्छा बताया जा सकता है आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट दैट आई से आपको भी सिमले से सुनाई दे ऑनलाइन वालों को भी दिखे कल वैसे सक्सेसफुल हुआ था इट लुक्स फाइन विल टेस्ट इट विल एक्चुअली वॉच टू थ्री मिनट दोडियोज जहाँ आपको जेन्यनली कोई अच्छा सीखने को मिले समझ रहे समुद्र वेद दैट आई कैन इनकलकेट उसके अलावा ऑनेस्टली टाइम नहीं है हमारे पास में 28 फरवरी को अपने को इज्जत से खत्म करने का है आई वॉन्ट यू टू गो हियर फ्रॉम हियर विद दैट माइंड हो जाएगा मेरे पास प्लस बहुत सारा समझ में आया कहीं ना कहीं अप्लाई कर लेगा लाइफ में समझ रहा हूँ मेरे बात वो माइंड से जाना बहुत जरूरी है अपना ऑब्जेक्टिव बेटा वही रहने वाला क्लियरली वैसा रखोगे तो तुमको सही में मजा आएगा और मेरे को भी मजा आएगा वरना मेरे को सुबह आठवें पढ़ाने का आदत नहीं है यू नो मी रियली वेल समझ लो मेरे बात माई नॉर्मल लेक्चर्स नॉर्मली स्टार्ट आफ्टर टू ओ पहली बार स्लॉट्स उल्टे हो गए सर का डबल फायदा हो गया

आपके बुक्स वगैरह के लिए शॉर्टिंग करके रखने का पूरा का पूरा नॉर्मली मैं आपको वापस आप बता दूंगा कि एवरी डे बेसिस इलेवन फिफ्टी इलेवन ट्वेंटी को ऑडिट शुरू होगा यू विल गेट अ ट्वेंटी मिनिट्स टुडे इट विल स्टार्ट फ्रॉम इलेवन ट्वेंटी फाइव ठीक है थैंक यू